क्या बंटा है, नाराज हो गया? बीड़ी फूंक रहा हूँ इसलिए। बंटा, तेरा मुंह ठीक करना अपन को आता है। मसा कर लिए। आ जा मेरे शेर। ये अपुन की आखिरी बीड़ी है, हाथ में अंगारे, झूठ नहीं बोलूंगा। आओ भाई आओ। पूरे डब्बे में अपन दोनों ही छे। लगता है इंडियन रेलवे अपने पर बहुत मेहरबान है। अभी अपन को नींद आ रही है, स्टेशन आते ही अपन को उठा देना, फिर अपन मस्त कुल्लड़ की चाय मारेंगे। से हल्के हो जाओगे, दिखता नहीं है क्या? आओ अंदर आओ, नसीब अच्छा तुम्हारा जो मैं उठ गया। अच्छा हुआ दिलभर ने उठा दिया, वरना तुम तो दुनिया से उड़ गए होते भाई। सर, क्या आप बता सकते हैं कि ये घटना कितने बजे हुई थी? ये घटना रात के करीब 1 बजे हुई। सर, ये सुसाइड है या मर्डर? सुसाइड है या मर्डर अभी मैं कैसे बता सकता हूँ? पहले इन्वेस्टिगेशन होने तो दीजिए, प्लीज प्लीज। आप बात को समझिए प्लीज। चलो हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज। मिलॉर्ड, रहीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है दैट ही हैज कमिटेड सुसाइड। नहीं, मैं जानती हूँ कि उसने सुसाइड नहीं किया। आप कौन है? नमस्ते सर, मेरा नाम संगीता है। रहीम और मेरा निकाह होने वाला था। ऐसा जिंदा दिल इंसान खुदकुशी नहीं कर सकता। जिंदगी एक नेमत है, अल्लाह का हमें बख्शा हुआ एक अनमोल तोहफा है, उस पर सिर्फ उन्हीं का हक है। रहीम अक्सर ये कहा करता था, ऐसी बात कहने वाला खुदकुशी कैसे कर सकता है। मिस संगीता, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहने और सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब जिंदगी करवट लेती है सब खत्म हो जाता है। योर ऑनर, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि रहीम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही कोई सीक्रेट अफेयर था। वो एक साधारण आदमी था जिसका किसी से कोई विवाद नहीं था। इस बात की पुष्टि उसके माता पिता ने भी की है। रेलवे पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार सर के अलावा शरीर पर कहीं कोई खरोच नहीं मिली, कपड़ों को भी कुछ नहीं हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ है कि उसे कोई अंदरूनी चोट भी नहीं लगी थी। मर्डर से पहले स्ट्रगल के कोई साइन नहीं है, जिससे ये साबित होता है कि रहीम ने आत्महत्या की है। रहीम की हत्या हुई है, पुलिस को इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं मिला है, लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रहीम ने किन्हीं गंभीर हालातों में आत्महत्या की है। द कोर्ट इज एडजर्न। नहीं, रहीम कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। बिल्कुल सही समझी संगीता। रहीम, अपन इतना बुजदिल नहीं था। अब उनका किसी ने कत्ल किया। रहीम, किसी ने अपना कत्ल किया। नहीं, नहीं। जानबूझ कर मारा मेरे को, मेरे को मार डाला। क्या हुआ बेटी? पापा, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही? रहीम ने मुझसे बात की। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ पापा, उसने मुझसे कहा कि किसी ने उसका कत्ल किया है। तुमने सपना देखा है? तुमने अभी तक उसे हत्या ही माना हुआ है? नहीं पापा, कोर्ट ने चाहे जो भी फैसला लिया हो उससे सच नहीं बदलेगा। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं रहीम के केस को रीओपन करवाना चाहती हूँ। देखिए, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिल पाया है, उससे क्राइम की गंभीरता कम नहीं हो जाती। अगर सच में मर्डर हुआ है तो कल्प्रिट को ढूंढ निकालेंगे। सर, अगर आप केस रीओपन करवाने वाले हैं तो अच्छा यही होगा कि इसे सीक्रेट ही रखें। यू आर राइट, पावरफुल लोग इंटरफेयर कर सकते हैं, बट यू डोंट वरी, बिना डिपार्टमेंट को भनक लगे ये केस CBCID के बेस्ट ऑफिसर को हैंडओवर कर दिया जाएगा। हेलो, हम बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर आ रहे हैं। चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतर, उतर। ए, बोला ना, नीचे उतर। ये एम्बुलेंस है बाबा, इसको काहे को रोकते हैं? चल गाड़ी की चाबी दे, जल्दी दे। अब गुंडे एम्बुलेंस से भी वसूली करने लगे, कीड़े पड़ेंगे तुझे। आए खुद देख लो, अंदर डेड बॉडी छे।
गोली मारी सर, इन लोग मेरे पर जुलूम कर रहे हैं। ये पुलिस वाला गुंडों से मिला होगा जरूर। Let's rob gang, come on. Let's rob gang, come on. Let's rob gang, come on. Let's rob, come on. Let's go. ઉપર છે લાશ અને નીચે છે કેશ. દેખતા ક્યા હૈ તુજે રોકને વાલે લોગ ગુંડે નહીં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ કે ઓફિસર્સ હૈ. એમ્બ્યુલન્સ સીઝ કરકે ઇન્કમ ટેક્સ વાલોં કો ઇન્ફોર્મ કરો. યસ સર. સર ઇસમે સે આધી આપ રખ લો સર. યે ઓફર કિસી ઓર ઓફિસર કો દેના બેટા. ચશ્મા કાલા હૈ ઇસીલિયે કાલા ધન ઓફર કર રહા હૈ. સારા માલ સીઝ કરો. अस्पताल से लावारिस लाशें उठाते हो, उन्हीं लाशों की आड़ में मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर की आंखों में धूल झोंकते हो, शाना है क्या? दामोदर शिवा दामोदर। ऑफिसर्स बद्दाई ने अरेस्ट करो। सर अगर इस केस को कोई सॉल्व कर सकता है तो वो है शिवा। डिपार्टमेंट उसे तीसरी आंख के नाम से बुलाता है। कल एक ऑपरेशन में उसने एक एम्बुलेंस में से 50 करोड़ ब्लैक मनी सीज किया। अगर उसे एक बाल भी मिल जाए तो वो उसकी खाल निकालकर मुजरिम को पकड़ लेता है। हाय सन। हाय मॉम। शिव सन, हु इज बिहाइंड यू? मेरे को बता, स्लो मोशन में तेरे को काय को फॉलो कर रहे हैं? नॉटी। सेम टू यू। अगर आदमी के पास थोड़ा भी पैसा आ जाए तो हर दूसरा आदमी उसका रिलेटिव बन जाता है। मेरे बेटे को मत बिगाड़ो, 9-2-11 हो जाओ। देखो मॉम, यू आर 100% राइट, पर ये उस कैटेगरी के लोग नहीं है। जब पुलिस इनकी मदद नहीं कर पाई तो शिवा के ब्लेसिंग से इस शिवा ने केस सॉल्व कर दिया और ये लोग मेरे साथ लॉर्ड शिवा ने थैंक्स के वाय वाचे। ओके गॉट इट, इधर तशरीफ रख। मैडम आपका चेहरा जाना पहचाना लगता है। ये टीवी स्टार है। टीवी पे आपका कुकरी शो आता है ना? उए मां, शो का नाम याद नहीं, ये है रसोई की रानी। मी द कुकिंग क्वीन। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बहन, जब मेरे दादा मरने वाले थे, वैद्य जी ने ऐसी जड़ी बूटी दी कि यमराज को उनका डेथ पोस्टपोन करना पड़ा।
फिर आपको शो पर भिंडी के पराठे बनाते देख उनकी भी जीभ लपलपाई, पर पहला निवाला खाते ही आत्मा डायरेक्ट बाहर। हाय दया, स्वर्ग में अकेले बोर होती मेरी दादी ने ऊपर से आपको बहुत दुआएं दी। चलो चलो भीड़ का, मंदिर की 100,000 परिक्रमा लगाओ, सारे पाप वॉश हो जाएंगे, सारे पाप वॉश हो जाएंगे। नमः शिवाय। चलो भाइयों चलो। लड़कियां मेरे कम तेल में बने खाने की दीवानी थी तो मैं जानती हूँ, लेकिन इसका एक पैर कबर में और दूसरा केले के छिलके पर, ये भी मेरा फैन है, जानकर प्राउड हुआ। मम्मी कदे की तरह क्यों हंस रहे हो, माय सन फियरिंग। क्या बार बार रिंगटोन बदलता रहता है? भगवान का कॉल। गुड मॉर्निंग मैडम। ओके, नेक्स्ट वीक आपसे पर्सनली आकर मिलता हूँ मैडम। ओके, थैंक यू मैडम। कम ऑन, बेसी जा। कमिश्नर ने फोन है तो इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करना था। सबसे कह दो शादी से पहले कोई केस नहीं लोगे। किससे? तेरे को फोटो भेज दूंगी, पंडित का अप्रूवल लिया है, समझा? अने मारा अप्रूवल मुशु? तेरी माँ ने पसंद कर लिया, इसका मतलब फुल एंड फाइनल। ऐसी बहू लाई हूँ कि अंगार लगा देगी। उसका कुछ इंट्रो तो दो। उसका नाम है सत्या, वेल्लूर की रहने वाली है, बहुत बड़े बिल्डर की इकलौती औलाद है। लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह निडर और हिम्मत वाली है। अयो क्या हुआ, तुम इतना डरता है तो ये हॉरर पिक्चर क्यों देखता है? ये सब देख के डर लगेगा ना? हॉरर फिल्म्स देखने में एक अलग ही किक मिलता माँ। भूत की फिल्म्स देख के मेरे को नींद आती, डर के झटके से मेरा खाना हजम हो जाता। आगे से ऐसा बकवास पिक्चर देखना हो तो अपने पति के साथ बैठ के देखना। माँ मेरा कल्याण हो रहा है क्या? इसलिए मेरे कॉलेज को बीच में स्टॉप लगा दिया। मॉम, हम लोग ठहरे गुजराती लोग और लड़की वाले साउथ इंडियन है, बातचीत में गड़बड़ हुई तो? सरला, कोई तो है जो अपन का बेटी का पीछे हाथ धो के पड़ा है। बहुत सारे लोगों ने एक आदमी को सत्या के आसपास घूमते देखा है। अरे बाप की तरह आप भी ओवर प्रोटेक्टिव हो। शक का भी कोई लिमिट होता है जी। अगर हमारी बेटी का कोई अफेयर होता तो वो मुझे बता चुकी होती। मेरी बेटी का कैरेक्टर ढीला नहीं कड़क है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरी बेटी प्योर गोल्ड है। हाँ मैम। मैडम मैडम, हम आपका बहुत बड़ा फैन है मैडम। अयो, मेरे को तो विश्वास नहीं होता आप इतना रेसिपीज जानते हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, स्पैनिश, जापानीज, इटालियन। अयो, मैं तो आपको देख के इतना खुश होता है, सास बहू सीरियल की बजाय आपका ही शो देखती है मैं। इसके लिए सब लोग मेरे को इधर उधर से टुकुर टुकुर देख रहे हैं ना। सरला, तुम डॉटर को क्यों नहीं बुलाती? तुम जाके बुलाओ ना जी। मैं इतना बड़ा स्टार से बात कर रही है। ओके। सास और ससुर के बीच में बेचारा दामाद फंस गया। नहीं रे, एक सुपरस्टार और फैन के बीच मेरी औलाद फंस गई। तुम्हें मोड़ा पर ज़िप लगाओ। मेरे साथ फोटो लेने का है ना? आओ आओ, I come, you come, all come. Stupid English. मेरे साथ फोटो खिंचवाने का है ना? तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे बेटे के साथ खिंचवानी है। All fan come. एड इकरा। फैन, फोटो फोटो कम। जल्दी आ रे। ये ले मेरा कैमरा फोन पकड़ और हम सबकी एक एक फोटो ले। आजा आजा। हाय, गो गो, आजा आजा। दोनों तो एक फ्रेम में फिट भी नहीं हो रही है। फोटो सेशन खत्म, मेरी बहू आ रही। ये मेरा डॉटर सत्या। हेलो, यानी कि मेरी बहू। एकदम चटपटा मिसल पाव लग रही है। मिसल पाव, ये क्या है? ए सन, सुन इधर आ, जल्दी आ रे, टुकुर टुकुर मत देख, हम दोनों की सेल्फी ले। हाँ। ए, कैमरा देखने के बजाय तुझे देख रहा है। मेरे को मालूम है तुमको अच्छा लगा। कितना बेचैन हो रहा रे। और कुछ बोलो ना सत्या। क्यों माँ, ये इधर मेरे को पसंद करने को तो आए, अगर पहली नजर में मेरे को अच्छे लग गए तो बताने में क्या प्रॉब्लम है? देन व्हाई वेस्ट ऑफ टाइम, चलो रसम शुरू करो। व्हाट डू यू से मिस्टर? शिवा। हाँ शिवा, मैं कुछ रॉन्ग बोला क्या? नॉट एट ऑल। सत्या, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी बोल्डनेस, मन करता है कि मैं तो तेरी स्पीड थोड़ी कम कर दे। मैं बहुत खुश हूँ बहू कि तुम दोनों के दिमाग बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल ऐसी जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर। सब लेडीज शिवा के साथ फोटो खींचना चाहती थी लेकिन उन्होंने आपकी फोटो खींची। अरे ये बात ने मेरा दिल जीत लिया सासू माँ। ये सब अनजान लोग नहीं, मेरे फैंस है। फैंस? कहीं आप कोई तुम्हें भरोसा नहीं होता?
ओ, आप फिल्म स्टार क्या? नो नो, ओरिजिनल मदर। एवरीडे 12 से 2 तुम लोग घर में टीवी नहीं देखते क्या? बोलोगे मास्टर शेफ रसोई की रानी, कुकिंग क्वीन। अपनी माँ से पूछो, माय डाई हार्ट फैन। एक बार घर तो आ जा। हाँ, सो डिशेस बना के खिलाऊंगी तुम्हारी स्लिम ट्रिम फिगर को, कद्दू जैसा बना दूंगी। सॉरी माँ, ना खाना पकाने में इंटरेस्ट है, ना खिलाने में इंटरेस्ट है, तो सिर्फ फिल्म्स में, और वो भी हॉरर फिल्म। मरी गयो मम्मी। तू इतना फट्टू कैसे हो गया मेरे को बता? ये तो शेरनी है रे। हाँ। खा जाएगी तुझे। क्या, क्या बोला, रिपीट प्लीज। अगर ऐसा कुछ नहीं बहू, कहने का मतलब है इसका टेस्ट तेरा टेस्ट बिल्कुल एक जैसा है। बताओ, एकदम फाफड़ा जलेबी जैसी जोड़ी है तुम दोनों की। शू केच मॉम, फाइनल डिसीजन तो ये लोग लेगा। अगर इन दोनों को अकेले में बात करना है तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या माँ, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चला गया, इनके पास आईफोन होगा, फ्री टाइम में चैट कर लेंगे। नंबर व्हाट्सएप कर दूंगा। गॉट इट। अगर आपको इतना ही जल्दी है तो पास का कोई डेट फिक्स कर लो। जल्दी मुझको होगा या इनको होगा? सरस छे, मैं पंडित से मुहूर्त निकलवा लेगा। मरने वाला रहीम है और कंप्लेन करने वाली है संगीता। नो 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 नो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कोई रिलीजियस एंगल नहीं है। ये केस कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और संगीता को लगता है ये एक मर्डर है, इसलिए फाइल रीओपन की है। एक्सक्यूज मी मैडम। हाय शिवा। सॉरी मैडम। एज यूजुअल ये केस तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, खास करके जब पुलिस के पास हमेशा की तरह कोई एविडेंस नहीं है। अगर ये सच में मर्डर है तो इसका मतलब कोई जानता था कि वो लास्ट ट्रेन में ट्रैवल करने वाला है और उसने वही प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। ट्राइडेंट मॉल के कॉफी शॉप में। शट अप। सॉरी मैडम, वो शादी फिक्स हो गई है तो फियांसे। दैट्स ओके। इस फाइल में रहीम की सारी डिटेल्स, रेलवे पुलिस रिपोर्ट, संगीता की कंप्लेंट, ऑल इंटीग्रेटेड। पहले तुम कॉफी शॉप जाओ, फिर केस सॉल्व करना। थैंक यू मैम, आई टेक योर लीव। तीन कॉफी शॉप चेक कर चुका हूँ, मुजरिम से ज्यादा तो इसे ढूंढना मुश्किल हो गया है। वेट करेंगे, निकली तो नहीं गई। हाय, आप जैसे सुपरस्टार इस मॉल में क्या कर रहा है? मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। लड़की का चक्कर? ऐसा ही कुछ समझ। हमारी तरफ देखो, हम ब्यूटीफुल नहीं है? Come on, let's have fun. Yes, आप सब ब्यूटीफुल हैं, लेकिन मुझे फूल मत समझना। अगर मैं 2 हफ्ते पहले तुमसे मिलता तो शायद मैं तुम्हारा ऑफर कंसिडर भी कर लेता, बट आई एम ऑलरेडी बुक्ड। दिल मत तोड़ो, हमारे साथ एक सेल्फी ही ले लो। अरे मैडम, सेल्फी लेने के लिए फोन और स्टिक चाहिए होती है। मेरे पास फोन भी है और स्टिक भी। अच्छा, घर से तैयारी करके आई है? ए आशुष, यू डोंट नो मी, आई डोंट नो यू। ओके श्योर। ओहो, तो ये बात है। हेलो। हेलो, हाय। मैंने कुछ नहीं किया, ये जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रही थी, फिर सेल्फी खींच रही थी बिना मेरे अप्रूवल के। मेरे स्टार मॉम के फैंस हैं। रॉन्ग, ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। मरी क्यों? ए, फोन काहे को डिस्कनेक्ट किया? अब तो हम लाइफ लॉन्ग कनेक्ट होने वाले हैं ना। लेट्स मूव गर्ल्स। चलो। इतनी सारी गर्ल्स को देखकर कोई भी फिसल जाता, लेकिन तुम अलग है, तुमको तो थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। हेलो, 10 आदमी आ जाए तो भी अकेले हैंडल कर सकता हूँ, पर एक लड़की आ जाए तो अंदर से हवा निकल जाती है। तुम्हारा प्यार फ्लैट नहीं है, सच्चा प्यार है, यह बात कन्फर्म हो गया। हसी ने मारा प्यार माँ फसी। पार्वती शिवा को एस्केलेटर से कैलाश पर्वत ले जा रही है। मम्मी, ओए चुप रहे। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, चल जा। क्या मॉम, रोज पॉपकॉर्न की तरह पटर पटर करती रहती हो, आज आपके करेले के हलवे की तरह मुंह क्यों लटका? मेरे कुकिंग पर ताने मत मार। अरे मॉम, मैं आपसे दूर कहीं विदेश नहीं जा रहा, अपने ही देश के दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ। सत्या के माँ बाप भी उधर ही रहते हैं ना, अगर तुम्हें बहला फुसला के घर जमाई बना लिया तो मैं क्या करूँगी? अपने बेटे पर इतना भी भरोसा नहीं है? कैसा कलयुग आ गया माँ, जो बेटा अपनी माँ को छोड़कर बीवी का गुलाम बने, मेरी नजर में वो पुरुष ही नहीं। मेरा बर्फी बेटा। मलाई मम्मी, मुझे वहाँ जाना है, एक जरूरी केस। कोई आसपास नहीं है ना? मुझे केस के लिए जाना है। मैंने सत्या से कहा है कि अपने मॉम डैड से मेरे आने की बात ना कहे। देख ना बेटा, अपनी नई बहू के लिए एक भी स्पेशल डिश नहीं बना पाई, कि तू उसके लिए ले जा। तो डिश बना के व्हाट्सएप कर दो मॉम। शैतान, टांग तोड़ दूंगी तेरी। देखो मॉम, मैं कोई 4-5 सालों के लिए नहीं जा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रुकूंगा। गधेड़ा, आजकल हर 2 मिनट में नया बम फोड़ता है, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हेलो, टारगेट 6 महीनों का है, बेटे पर भरोसा रखो, शेड्यूल से पहले आ जाऊंगा। रहने के लिए गेस्ट हाउस लोगे कि रेंट पर घर लोगे? छोटा मोटा घर नहीं है,
महल कहो महल, हमने तो एडवांस भी दे दिया है, सीधा महल में जाएंगे। तुझे तो चल निकल इधर से। वो सब बात में पहले ये बताओ कि भाईडी कैसी है? एकदम झकास। गांडा, भाईडी को अपने जॉब के बारे में बताया? बिल्कुल नहीं, सत्या के पेरेंट्स को यही बताया है कि पापा के एक्सपोर्ट बिजनेस को संभालने के लिए मुझे टूर पर जाना पड़ता है। वैसे वो घर एक्चुअली है कहाँ पर? वेल्लोर से थोड़ा बाहर एक एकड़ जमीन का प्लॉट है। सुपर। बंगले के आजू बाजू में कोई घर भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है तेरे लिए। रहना तो दूर, पिछले 5-6 सालों में शायद ही किसी ने गृह प्रवेश किया होगा। वो क्यों? ऐसा है, घर के ठीक पीछे एक वीरान कब्रिस्तान है, बस। ओ, कब्रिस्तान है। ये अलग बात है कि पिछले कितने सालों से वहाँ कोई मुर्दा दफनाया ही नहीं गया। लोगों ने कई दफा वहाँ रात को भूतों को घूमते देखा, इसलिए उस घर में कोई जाने को तैयार नहीं है। बस अगर मुझे उसमें रहना होता तो सीधा अपनी बाईडी को लेके उसमें घुस जाता। हेलो, क्या बोलते हो, कभी टोकन देते हो? ये एटम बॉम्ब का सुरसुरिया हो गया, क्या हुआ, डर गए क्या? डर क्या चीज होती है, पूरा डिपार्टमेंट मेरी बहादुरी की कसमें खाते फिरता है। ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं, क्या कर सकते हैं ना। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो दूसरा घर देख सकते हैं। तुम्हारा रहते हुए डर का क्या बात? मुझ पर इतना भरोसा? सच कहूँ तो ऐसा घर में रहने के लिए ना बहुत एक्साइटेड हो रही मैं। अच्छा, ऐसा क्या? अगर यहाँ भूत वूत रहता तो मेरे को और भी मजा आता। ओह माय गुडनेस, ये घर मुझे डराने के लिए बनाया है। वाह भगवान, सच ए ब्यूटीफुल हाउस। शायद ये हॉल रहेगा और वो किचन और वहाँ डाइनिंग टेबल रखेंगे। ये बताओ बेडरूम कहाँ होगा? जहाँ कहोगी बना लेंगे। सत्या, अकेले छोड़कर मत जाओ, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। ये एक और हॉल, रोजवुड पिलर, टीक वुड फ्लोरिंग। हाँ भाई हाँ। किराया इतना कम क्यों है? उसकी भी एक खास वजह है। अरे हाँ, तुमने कहा था पीछे कब्रिस्तान है। अपने शोहर को कोई छोड़कर जाता है क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आँख खुलते ही लोग भगवान के दर्शन करते हैं, पर हम कब्रिस्तान के दर्शन करेंगे। तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लगेगा? कहीं और घर ले ले। इस घर का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और वो क्या है? यहाँ कोई और कभी नहीं आएगा। ग्रेट पॉइंट। हर सुबह ठंडी ठंडी हवा आएगी। हवा के साथ घर के अंदर आत्माएं भी आ सकती है ना? क्या मतलब, हम दोनों की वेवलेंथ मैच हो गई है ना। तुम्हें घर पसंद है ना, मुझे घर पसंद है, कहीं और। मुझे ये घर पसंद है, जाके पेमेंट कर दो। अभी देता हूँ पेमेंट। मेरा मतलब रेंट का पेमेंट। मैंने उम्र भर के लिए बुक कर लिया है। शिवा, मैंने घर के काम के लिए आदमी भेजे हो। वेरी गुड, इतने बड़े घर में कुछ लोग रहेंगे तो अच्छा होगा, थोड़ी चहल पहल रहेगी। थैंक यू वेरी मच मुरली। मम्मी मरी गई। ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया। हमसे डर गए क्या? हमसे डर जाओगे तो घर का खाना कौन बनाएगा? मामा ने कब्रिस्तान का सारा स्टाफ यहीं भेज दिया, बीच वाला जरूर कबर खोदता होगा। नाम क्या है? मैं डायन कुमारी, खाना बनाती। किचन से बाहर कदम मत रखना, वहीं सो जाना। अरे तुम्हें कौन छो? निशात सिंह, कहने को माली हूँ पर घर की सफाई और देखभाल दोनों करता हूँ। घर से पहले जरा अपनी सफाई करके आना, तुम जरूर कब्रिस्तान के वॉचमैन होगे। सैलरी कैसे आती है? ऑनलाइन आती है। ओके तो काम शुरू करो। शिवलिंगा। तो ये वो एक्सीडेंट स्पॉट है? यस सर, और ये वो फोटोज हैं जो रेलवे पुलिस ने हैंडओवर की थी। कबूतर नहीं आता तो आज तुम नहीं बच पाते। उस कबूतर को भूल जाओ और काम पे लगो। तुम्हें तो बहुत स्फूर्ति ले हो सर।
सत्या सत्या सत्या, गाँव सत्या सत्या, किचन में तो नहीं है सत्या, यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई होगी? हेलो सर, यू वांट टू नो अबाउट रहीम? एक्सीडेंट था या सुइसाइड या कोल्ड मर्डर? ये कंफर्म्ड मर्डर है। यस, इट्स ए प्री प्लान्ड मर्डर। मार डाला किसी ने रहीम को और हमें उस हत्यारे को ढूंढना है, एंड दैट्स योर जॉब। ऐसा क्या देख रहा है? हमारा बीच तो कोई सीक्रेट नहीं था ना, तो फिर तुमने ये क्यों छुपाया मुझसे? जब मैं तुम्हारा सामान अनपैक कर रही थी तो मुझे तुम्हारा ब्रीफ केस मिला जिसमें मुझे ये फाइल मिली। सो यू आर नॉट एन एक्सपोर्टर, यू आर अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। यस, आई एम फ्रॉम द सीआईडी, एंड यू आर राइट। दरअसल मुझे ये बात तुमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। I'm sorry. I am so proud to be the wife of a CID officer. मेरे लाइफ में फिर से थ्रिल आ गया। तुम्हें ये केस सुसाइड लगता है या मर्डर? अगर केस में सुसाइड निकला तो खाक मजा आएगा। अगर मर्डर हुआ तो सबूत ढूंढना, चेस करना एक थ्रिल एलिमेंट होगा। नॉर्मली पति कोई रिस्की काम करे तो पत्नियां काफी डर जाती हैं, पर तुम थोड़ी हटके हो। यू आर डिफरेंट। बस एक बात का ख्याल रखो, मेरी जॉब थोड़ी हटके है इसीलिए इसे सीक्रेट रखना होगा। तुम्हारे पेरेंट्स और फ्रेंड्स को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा, सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए भी मैं कभी किसी से नहीं कहती। आई लव यू। क्या हुआ है? इतनी रात को वहां जाने की जरूरत क्या थी? दिन में वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते तो रात को जाके उन्हें डिस्टर्ब क्यों करना है? चलो जाके सो जाते हैं। अरे किधर जाता है, रुको, पहले तुम्हें वो बच्चा देखना। सुबह मिल लूंगा ना। देखो अभी देखो। चलो कहाँ है, बुलाओ ना। चाहो तो उसके लिए दूध और बिस्किट भी लेकर आओ। तुमने तो कहा था यही बैठा है, यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने अपनी आँखों से देखा था, वो बच्चा वहाँ था पेड़ की डाल पर, मुझे देख के हंस रहा था। अगर तुम कब्रिस्तान के बारे में सोचती रहोगी तो ऐसे वहम होते रहेंगे। ऐसा क्या? Yes, darling. लेकिन मैंने देखा। कुछ नहीं है वहाँ, खुद ही देख लो। अरे यार चलो, मेरी हिस्ट्री जानती तो ऐसी बातें नहीं करती। मुझे काम है, तुम जाके सो जाओ, मैं काम खत्म करके आता। अच्छा जल्दी आना। हाँ तुम कहो तो अभी आ जाओ। My God, back to work. जाओ। बू, हे, मैं हूँ। चलो। हाँ जा जाओ। कौन है तू? हीरो जैसी पर्सनालिटी देख के समझे नहीं क्या? किस रियासत का राजकुमार हूँ मैं? थोड़ी देर के लिए भूल गया हूँ मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ मैं चोर हूँ। अच्छा चोर है। ये सेक्सी शॉर्ट्स कहाँ से चुरा के लाया?
बारिश में स्कूल के बच्चे की सूख रही थी तो मैंने पहन ली। चोरी करने में चॉइस थोड़ी होती है, मतलब थर्ड फ्लोर पे चोरी करने में ये थोड़ा इजी हो जाएगा ना। वो क्या है, चड्डी पहन के कहीं भी चढ़ सकते ना, इसलिए। यहाँ क्यों आया तू? अरे ये सवाल कितनी बार पूछेंगे, ये घर मेरा बैंक है, मैं मेहनत से चुराया हुआ माल इधर ही छुपाता हूँ। आप बिना इजाजत घर में आ गए और बैंक मैनेजर को मार रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लग जाएंगे पीछे काटे। चोरों के भगवान का नाम लेते हैं। ये पिक्चर का गाना है और मैंने कभी किसी मंदिर की दान पेटी नहीं चुराई है, सच बोल रहा हूँ। प्लीज 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 मत मारना, आप तो CBCID के ऑफिसर हैं ना। मेरे जैसे छोटे मोटे चोर को लेट गो कर दो ने, मुझे मारेंगे तो आपका रेपुटेशन कम हो जाएगा, इसलिए। मेरा सीक्रेट तुझे कैसे पता चल गया? ये सवाल चोरी की शर्ट को छोड़ के भी पूछ सकते हैं। सुबह से मैं इस घर में खजाना ढूंढ रहा था ना, तभी आप अपनी बीवी को बता रहे थे कि आप CBCID ऑफिसर हैं, और ये भी कहा कि किसी को बताना नहीं है, कुत्ते बिल्ली को भी नहीं। प्लास्टिक की दीवार के पीछे से मैंने सुना। शिवा, मोटो घोटालो छे, इसे कुछ दिन यहीं रखना होगा। देखा जाए तो हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं मोटा भाई, हम चोरी का माल छुपाते हैं और आप अपनी पहचान। ना आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना हम। आप सरकारी मुलाजिम, मैं सरकारी मुजरिम। आप फुल पैंट पहनते हैं, मैं चड्डी पहनता हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम दोनों में थोड़ा फर्क होना चाहिए ना। आप मार खिलाते हैं और मैं मार खाता हूँ, बस इसी वजह से छोटा सा डिफरेंस है। ए सर, दो दिन का एक साथ ही बोल लिया, थोड़ा घना सेटलमेंट करो ना। बोलो सर। आज से तुम मेरे पर्सनल गेस्ट यहीं रहोगे। क्या, मैं आपका पर्सनल गेस्ट? एक चोर, वो भी सिपाही का गेस्ट? आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ा है, उठाकर जेल में फेंक दो ना। ये जेल से कम नहीं है। मतलब नजर कैद कर रहे हो? मेरे पर्सनल सामान का क्या होगा पार्टनर जी? क्या कहा? पार्टनर जी। रहने को कहा है, तेरे साथ कंपनी नहीं खोल रहा। ये बता, नाम क्या? ईमानदार भद्रेश। ईमानदार भद्रेश। ये पीठ दिखाने वाला फोटो क्यों लगाया है? सर ये रहा आपका बिल, मशीन मुझे देना। हाँ ले भाई। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनके रहते कोई विंडो से एंट्री नहीं मारेगा। एक्सक्यूज मी सर, ऑब्जेक्शन सस्टेन ना करे तो सवाल पूछो। आज से तुम 24 घंटे के सर्वेंट, 12 घंटे मेरी वाइफ के बॉडीगार्ड, 6 घंटे के लिए माली, 3 घंटे के लिए रसोईया। एक कंफ्यूजन दूर कीजिए ना सर, फोटो में इनका चेहरा उस तरफ क्यों रखा है? अकेले बैठे बैठे टाइम पास कैसे करेंगे? इधर नहीं आऊंगा, उधर आऊंगा तो आप मारेंगे। आप इधर आओ ने, इधर आके बोलो ने आप। ओके। हाँ बोलो, क्या था? वहाँ पीछे। पीछे नहीं, आगे बोलो ने। कब्रिस्तान है वहाँ। कब्रिस्तान है मतलब दो गज जमीन के नीचे। ये पापा, पिछले 5 सालों से रात को फ्रंट डोर से आता जाता हूँ, एक बार पीछे क्यों नहीं झांका? नहीं पता था ना। सॉरी सर, मैं अपने जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। एक ऑफिस ने मम्मी बचाओ। ऑपोजिशन का लीडर है क्या? जब चाहे अपनी मर्जी से वॉकआउट करेगा। तेरा सिर्फ नाम ईमानदार है, बाकी नाम के ऊपर धब्बा है तू। मैं धब्बा हूँ? सर आपको जो बोलना है बोल लो, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। रात को भूत वॉकिंग पर निकलते हैं। तो? सर वो वॉकिंग करते करते मेरे बेड के सामने खड़े हो गए तो मैं क्या करूंगा? ए, दिन में तू क्या करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को जाग के यही चौकीदारी करनी है। अगर सत्या यहाँ आकर फिर डर गई तो तेरी खाल खींच लूंगा। सही है, मेरी नींद बिगाड़ के खुद सो गए। पिक्चर खत्म होते होते मैं भूत बन जाऊंगा, देखते रहना। कौन है कुत्ता भौंक रहा है किधर से? रात को कुत्ता भौंकते तो डर लगता है। चादर छोड़। चादर, डरा डरा के बच्चे की जान लोगे क्या? अब क्या उड़ के सोऊं? तकिया। उस पुलिस वाले को रहने के लिए यही घर मिला था क्या? रहीम आपकी इकलौती औलाद थी? हाँ ऑफिसर साहब, सब अल्लाह की रहमत है, हीरा था मेरा बच्चा रहीम।
जब वो छठी जमात में था तो एक एक्सीडेंट में मेरा पैर कट गया। उस दिन से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मेरा कारोबार संभालने लग गया मेरा बच्चा। बिना रहीम के बिरयानी के कोई भी फंक्शन मुकम्मल नहीं होता था। अल्लाह ने उसे इस खास हुनर से नवाजा था। मेरे एक पार्टनर है कृष्णा भाई, 20 साल से मेरे दोस्त थे। जिस तरह हमारी बिरयानी मशहूर थी उसी तरह उसका वेजिटेरियन खाना मशहूर था। भले ही हम दोनों अलग अलग धर्म के थे पर जब भी कोई बड़ा ऑर्डर आता तो नॉन वेज खाना मैं बनाता और वेज खाना कृष्णा भाई। हमारे बच्चों में भी दोस्ती थी। उसकी एक बेटी है संगीता। मेरे बेटे रहीम और संगीता की बचपन से अच्छी दोस्ती थी जो वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गई। मेरे बेटे रहीम की खुशी के लिए मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, लेकिन कृष्णा भाई थोड़े से नाखुश थे। संगीता, बकरे काटने वाले चाकू से अगर सब्जियां काटी जाएं, तो वो अशुद्ध हो जाती है। आगे तुम खुद समझदार हो। आखिरी बार जब रहीम घर से निकला था तो उसकी मानसिक हालत कैसी थी? दो तीन दिनों से वो काफी टेंशन में था। वो गुमसुम रहने लगा। फिर उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला, एडवांस लेने घर से निकला। रहीम काफी खुश था। सच बताइए, क्या रहीम शराब पीता था? नहीं साहब, हमारे मजहब में तो शराब पीना हराम है। उसे बस एक बुरी आदत थी, कभी कभी बीड़ी पी लेता था। रहीम की कोई अभी की फोटो है आपके पास? है ना सर। जब कोर्ट ने रहीम की मौत को सुसाइड बताया तो मेरे को लगा आप मेरा पैसा देंगे नहीं, लेकिन आपने आरटीजीएस से पूरा पैसा ट्रांसफर किया। क्या हुआ तुम्हें? कमरा कब्रिस्तान बन गया, बच्चा उधर ही है अभी भी। कमरे में कब्रिस्तान? पेड़ पर लटक रहा था, मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कहीं भूत तो नहीं? इज्जत बचानी है तो एक्टिंग कर रही। मैं सच बोल रही है, मैंने देखा। यू शट अप। तुझे मजाक लग रहा है तो अब क्या करें? प्लीज मेरा साथ चलो। उसकी क्या जरूरत है? चलो जल्दी। नहीं, मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे मत घसीटो। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। पुलिस लोगों की हिफाजत करती है, आप ही देखो ना, मुझे क्यों मरवा रहे हो? कौन है? मरे हुए को क्यों मार रहे हो? सर अंदर कोई नहीं है, कबूतर भी नहीं है, अंदर एक छोटा सा गमला भी नहीं है और इनको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है। सबको डरा दिया मैडम। हर रात ऐसे डरती रहोगी तो काम पर फोकस कैसे करूंगा? चलो इसी वक्त शिफ्ट हो जाते हैं, चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गया, आगे से नहीं करेगा मैं। यू प्रॉमिस? ठीक है, अब जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। साहब मुझे बात करनी है। सर आपकी वाइफ लेडीज है ना, इसलिए डर रही है, आप उस पर गुस्सा मत करो। लेकिन सीबीसीआईडी के ऑफिसर को पहली बार मैंने भीगी बिल्ली बनते देखा है। आ जाओ।
मेरी बॉस सांप से डरती है और मैं भूत से डरता हूँ। हर इंसान में एक डर होता ये है। ये तो मने खबर छे। एक बार मकोड़ा मेरे पैंट में घुसा था ना, तब से मैं चड्डी पहनता हूँ। लेकिन जॉइंट फैमिली वाली लड़की को शादी करने के बाद आप कब्रिस्तान में क्यों लेकर आए? पूरा दिन आप ड्यूटी बजाते हैं और भूत इधर आकर आपकी बीवी का दिमाग बजाते। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मेरे पास 10 आइडिया है। केन्या, युगांडा, सोमालिया, भूटान, बांग्लादेश, ऐसी भारी भारी जगह पर आप हनीमून मना के आओ, आपका और आपके परिवार का भूत हमेशा के लिए भाग जाएगा। लाइफ सेट। मम्मी मरी क्यों? वो इधर ही आ रही है। ए रहीम की मुझसे क्या दुश्मनी है? आज से चोरी बंद हो। माफ कर दो लेडी जैकी चैन, मैं भूत वूत नहीं हूँ, मैंने चादर ओढ़ी थी। Only action or no reaction? तुझे तो मैं नहीं मारता थी, मैंने क्या किया है? Excellent, excellent. Yeah, thank you. मुझे देखना था तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर लिया नहीं, इसीलिए ये नाटक करवाया। पर तुम तो बिल्कुल ठीक हो। Are you okay? मैं ठीक है, मेरे को क्या होएगा? तुम तो बहुत बहादुर निकली। अगर तुम एक मिनट लेट होता ना तो मैं उसको बहुत मारता। कैसी किस्मत है, बीबी का फियर फैक्टर दूर करने के लिए मुझे भूत बना के यहाँ वहाँ घुमाया, ठोकर खिला के पूरा शरीर ढीला कर दिया। एक कम से कम एक बार थैंक यू तो बोल के जाते हैं। सब मुझे कचरे की पेटी की तरह समझते हैं। यूज मी है, इसमें तो खाना नहीं है, है? खाली बर्तनों पे ढक्कन लगाया खाना चोर। डायन देवी कहाँ गई है? खाना पकाया कि नहीं है? आज कुछ भी नहीं पकाया है। किस बात की पगार देते हैं पता नहीं, कहीं तो मटर गश्ती कर रही होगी। जाकर माली से पूछता हूँ। ए प्रेत सिंह रण छोड़। क्या हुआ सर? ए बुड्ढा इधर आ, सब लोग किधर गए हैं? अंदर वो डायन देवी ने खाने का झोल किया और तू इधर झोला लेके घूम रहा है। सबने आज मुझे हाफ डे दिया है, वो रिक्शा में बैठकर चली गई है, है? मैं तांगे में जा रहा हूँ। 6 बजे तक छुट्टी दी है, कुछ तो जोल जपाट है। वो डायन मेरे आने के पहले से ही ऐसी है या मेरे आने के बाद ऐसी हो गई है? इधर से राइट लेना, उस करना पड़ेगा। शाम के पहले मैडम को वापस लाना पड़ेगा वरना मैं गायब हो जाऊंगा। मैडम पिछले 1 घंटे से लेफ्ट राइट करके आप एरिया में घुमाई जा रही है। कॉलोनी का नाम, गली का नाम कुछ तो बताइए हमको। ये टोपी वाले जी, इन पर्दों का ऑर्डर हमारे सर ने दिया है कि किसी और का ऑर्डर इधर लाया? नहीं सर, आज सुबह ही मैम सब ने ऑर्डर दिया था। ऑर्डर दिया, मनी ऑर्डर क्यों नहीं दिया? लेफ्ट में लेना। अरे लेफ्ट राइट करने के बजाय अपना एड्रेस क्यों नहीं बता देती आप? लगता है आप अपना एड्रेस भूल गई हैं, किसी से पूछ लो। ए ज्यादा मत बोल। ये क्या है, हर जगह ग्रीन कर्टन्स लगा दिए?
हेलो, घर पहुंच गया, नीचे उतर। पहुंच ही गया, पता ही नहीं चला। हेलो, मीटर के पैसे कौन देगा? पैसा? हाँ तो 500,000 की पुरानी नोट है जो तेरे काम नहीं आएगी। इससे अच्छा ये मीटर ही रख, लगा ले। अरे ये मेरा ही मीटर है, इसीलिए तो सरीफाई दिखा के दे दिया ने। चुपचाप भाड़ा निकाल, तुझे पैसा चाहिए? हाँ। दिल बड़ा रखने भाई, चल दे। ले भाई जा, GST का मारा लगता है। ए क्या है? फोन का चार्जिंग खत्म हो गया। मेरा फोन भी चुरा लिया? तुझे तो मरने के बाद कफन भी नसीब नहीं होगा और जलने को लकड़ी भी नहीं मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सुल्तान पहलवान की इकलौती औलाद नहीं। क्या बोलता है तू? सुल्तान का बेटा? हाँ है तो? मारा पप्पा भी दंगल में मंगल। तेरे बाप से मेरे बाप को कंपेयर कर रहा है? फोड़ू क्या तेरे को? हाँ? ले, शर्ट ले, चल निकल, चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, चल जा। बाद में मिलते हो भाई। क्यों शिवा, मिला ना सरप्राइज? ये अचानक घर को रीडेकोरेट करने का आइडिया क्यों आया तू? खाली बैठे कुछ तो करना था। कब तक घर पे बैठकर दीवारों से बातें करती? इसीलिए कपड़ा सिलेक्ट किया, स्टिचिंग की और फिर पर्दा बना दिया। वेरी गुड, व्हाइट वॉल्स, ग्रीन कर्टन्स, घर में हरियाली ले आई और मेरी लाइफ में भी। यू लाइक इट? आई लव इट। गड़बड़ छे, उस आदमी ने मेरे सामने रेडीमेड पर्दे लगाए, फिर भी मैडम बोल रही है कि हाथों से सी के ये तैयार किया है। पति को धोखा दे रही है। इस तरफ आइए। सर। यस। ये लोग आ गए। यू कैन लीव, बैठ जाइए। तो आप ही मिस्टर कृष्णमूर्ति हैं? जी हाँ। संगीता। यस सर। आई एम शिवा, CID ऑफिसर। मैं ही रहीम केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। सर, इस केस के बारे में आपको कुछ और पता चला? अपने पापा से पूछिए, इन्हें पता है। सर, आपको कहाँ जाना? बार बार एक सवाल मत पूछ, जैसा मैं कहूँ वैसा करता जा। गाड़ी घुमा। तू किधर जा रहा? मैडम आज भी कहीं गई है क्या? हाँ, और बोलिए 7 बजे तक लौटेगी। ये ले। मैम साहब ने ये सब सीडीज लाने को बोला है, बिजली का बिल, फोन का बिल भी भरने को बोला है। तू ये चाबी पकड़। किस लिए? शाम तक मैम सब ने घर बंद रखने को बोला है। मैं घर जा रही है, सीधे 6 बजे आऊंगी। स्ट्रेट चलता जा। हाँ मैडम। कुछ तो लफड़ा है, पति के पीछे दाल खिचड़ी क्यों पक रही है? वो सामने पान की दुकान दिखाई दे रहा है ना? हाँ। वहाँ से राइट लेना। अच्छा जी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं अब्दुल्ला से मिल चुका हूँ। उन्होंने कहा आप इस रिश्ते से नाराज थे, रहीम के काफी मनाने के बाद आप इस रिश्ते के लिए राजी हुए। वो क्या वजह थी कि आपने हाँ कर दी? आपने अपना फैसला कैसे बदल दिया? मिस्टर कृष्णमूर्ति, I'm asking you. बताता हूँ। पापा, सारे वर्कर्स चले गए हैं। सुंदर अंकल दोनों चूल्हे जलाने से पहले आरती कर लेंगे। संगीता, देखो कल रसोई में साझा चूल्हा जलेगा या अलग अलग, ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। क्या मतलब? एक मुस्लिम दुल्हन का चेहरा देखे बिना निकाह करता है, जबकि हिंदू लड़का लड़की मिलकर अग्नि के फेरे लेते हैं। अगर मुझे अब्दुल्ला के साथ दोस्ती की अग्नि को जलाए रखना है तो तुम्हें रहीम का प्यार भुलाना होगा। आपकी दोस्ती की खातिर मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगी। अपनी बेटी की बातों पर भरोसा करके मैं फंक्शन में खाना बनाने पहुंच गया। अरे भाई सलीम, हुआ कि नहीं हलीम? देखो, अरे 10 मिनट से ज्यादा हो गया है। फजल भाई, इसका पगार काटना पड़ेगा, इसका काम में ध्यान नहीं है, बहुत टाइम लगा रहा है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। फंक्शन शुरू होने पर मैंने अपनी बेटी से कोल्ड ड्रिंक्स ले जाने को कहा। उसे बाहर जाते देख रहीम अपना काम किसी और को सौंप के उसके पीछे जाने लगा। आई एम ग्लैड टू अनाउंस, जस्ट एज लास्ट ईयर, वी हैव वन द प्रेस्टीजियस स्टेट अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन आवर एंटायर स्टेट। पर रहीम उसके पीछे पड़ा रहा। मेरे मन में एक डर सा था कि संगीता फिर से अपना मन न बदल दे। म्याऊ। दिल में कई तरह के ख्याल आए। उस टेंशन से मुझे चक्कर आए और मैं गिर पड़ा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे या अल्लाह, ये क्या हो गया? कृष्णा भाई, या अल्लाह, अरे कोई एम्बुलेंस बुला भाई। वो कैसे है? घबराने की बात नहीं है, सिर्फ बीपी लो था, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अब्दुल्ला, वो फंक्शन? चिंता मत करो भाई, संगीता वहाँ पर है, वो सब संभाल ले। उसे उतना अनुभव नहीं है। सुंदर है ना उसके साथ, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ गड़बड़ हुई तो मेरा नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। जब मैं फंक्शन वाली जगह पर पहुंचा, वहाँ बैठे सारे गेस्ट वेजिटेरियन खाने को एंजॉय कर रहे थे।
फंक्शन का केटर कौन है? कृष्णमूर्ति, और कौन? खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, कृष्णमूर्ति जैसा खाना और कोई नहीं बना सकता। बहुत स्वादिष्ट बनाता है। मैं अपने घर की पार्टी में भी इसी केटर को बुलाऊंगा। बिल्कुल बुलाइए। रहीम जैसी बिरयानी कोई नहीं बना सकता। रहीम के हाथों में तो जादू है। पापा, जब मुझे पता चला कि आपको सिर्फ लो बीपी की वजह से चक्कर आए हैं तो मुझे बहुत राहत मिली। वो सब छोड़ो, ये बताओ ये खाना तुमने कैसे बनवाया? मैंने खाना नहीं बनवाया। तो फिर वो रहीम, ये वेजिटेरियन खाना तुमने बनाया? लोग तारीफ करते नहीं थक रहे, विश्वास नहीं होता। कुछ नया सीखना, खासकर जिसके बारे में बिल्कुल पता ना हो, आप उनके लिए चैलेंज है। वो क्या है कि महीनों से तुमको खाना बनाते हुए देख रहा हूँ। हमेशा से इच्छा थी कि एक बार इतने बड़े फंक्शन के लिए खुद वेजिटेरियन खाना बनाऊं। आज मौका मिला तो बना डाला। चूल्हा नहीं जानता खाना वेज है या नॉन वेज है। बोले तो एक ही आग पे पकाया जाता है ना चाचा। अरे भेजे से स्लिप हो गया, संगीता ने अपन को सब कुछ बता डाला है। आज के बाद तुमको शिकायत का मौका नहीं देंगे। भाई लोग, सरवाने का लिया दबा के खाना, गोश्त लेकर आता हूँ। और अब्दुल्ला, कृष्णमूर्ति का कॉम्बो टेस्टी है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि उस आत्मा को शरीर मिलने के बाद ही तो उसके मजहब की पहचान होती है। अब्दुल्ला, ये सवाल मेरी बेटी ने पूछा, मैं इसका जवाब नहीं दे पाया, पर अब रहीम ही मेरा दामाद बनेगा। रहीम के साथ संगीता का रिश्ता तय करने से पहले क्या संगीता के लिए आपने कोई और लड़का ढूंढा था? हाँ सर। तो ये बात आपने पहले रेलवे पुलिस को क्यों नहीं बताई? देखिए, ये बात मुझे जरूरी नहीं लगी, और वैसे भी मैं रहीम को अपना दामाद मान चुका था। लेकिन रहीम को तो इस बात का पता नहीं था। जी नहीं था, मैं तो उसके नाम के इनविटेशन कार्ड्स छपवाने वाला था, रहीम को उसके बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन कुछ दिन बाद रहीम की मौत हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। आपके ऑब्जेक्शन से रहीम अच्छी तरह वाकिफ था। संगीता उसकी नहीं हो सकती ये जानने पर उसने आत्महत्या कर ली, या फिर रहीम को अपनाने का नाटक रचाकर आपने सबको कॉन्फिडेंस में लिया और उनकी शादी के लिए हाँ कर दी ताकि आप पर कोई शक न करे, जिसके बाद आप ही ने चालाकी से रहीम का मर्डर करवाया। सर, क्या आप मेरे पापा पर शक कर रहे हैं? केस रीओपन करवाया, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पापा इस क्राइम के सस्पेक्ट नहीं हो सकते। पत्नी को मारकर पति पुलिस कंप्लेन करता है, बेटे को मारकर बाप आंसू बहाने का नाटक करता है, बिजनेस मर्डर्स में अक्सर बिजनेस पार्टनर खूनी निकलता है, ऐसे केसेस से हमारी अलमारियां भरी पड़ी हैं। आज तक मेरे हाथ से कोई मुजरिम नहीं बचा है। मेरे मुताबिक इस केस में आपके पापा सस्पेक्ट नंबर वन है। ये मुझसे पूछे बिना इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, और जब भी मैं पुलिस स्टेशन बुलाऊं चुपचाप चले आना। नाउ यू कैन गो। दुनिया की पहली औरत हो जो नाइट ड्रेस इस्त्री कर रही है। दिन हो या रात, एकदम टिप टॉप दिखना चाहिए। ओहो, इसका ये मतलब है? क्या मतलब? कि तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है। किसने कहा मेरे पास काम नहीं है? सुबह से मैं कितना बिजी है मालूम है? हे हे हे, कूल कूल कूल, किस बात में बिजी थी? आज का डिनर मैंने बनाया है। अच्छा? हाँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं खाना लगा। ओके, खाने लायक तो होगा ना? अरे सवाल पे घूरती है, बहुत भूख लगी है। बिरयानी? सत्या, ये तुमने बनाई है? मैंने बनाया, क्यों? ऐसी लजीज बिरयानी कोई खान सामा ही बना सकता है। ओए, जब हम पहली बार मिले थे तुमने क्यों कहा तुम्हें कुकिंग नहीं आती? टीवी पर सासू माँ का शो देख के रेसिपी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ, मम्मी टीवी पर जो खाना बनाती है वो भी इतना टेस्टी नहीं होता, सच में। एक सीक्रेट है, मेरे को पहले से थोड़ा थोड़ा खाना बनाना आता है। एक सीक्रेट और बताऊँ, जिस रहीम मर्डर केस को मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ ना, वो भी बहुत सरस बिरयानी बनाता था,
एक बार उसके हाथ की बिरयानी खाओ तो कुछ और खाने का मन ही नहीं करता था। अगर तुम रहीम का कातिल ढूंढ लेगा तो हर रोज मैं तुमको बिरयानी खिलाएगा। तू के छे? हूँ तो खाई खाई ने नानो भीम थी जाइस। ए बेईमान ईमानदार मोटा भाई, कौन से चोरी की प्लानिंग कर रहा है? बहुत सही बिरयानी बनी है, जाके खा ले, जा खाई ले। मोटा भाई मुझे बिरयानी बिरयानी नहीं खानी है, एक अंदर वाली बात बतानी है। आप इधर खोपचे में आओ ने। मुझे गलत मत समझना हो, लेकिन सुबह जैसे आप ऑफिस में जाते ना, मैडम किसी को मिलने जाती है और शाम को वापस आती है। क्या बकवास कर रहा है? खबर रहती सर, आप यकीन नहीं करोगे। ये देख रहे, ये सब नए पर्दे दुकानदार ने मेरे सामने लगाए हैं। उस दिन भी मैडम शाम को घर लौटी थी, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि उन्होंने खुद अपने हाथ से पर्दे सिले। रोज रिक्शा में बैठकर किसी को ढूंढती रहती है, सारे नौकरों को 6 बजे तक की छुट्टी भी दे देती है, किसी ना किसी बहाने मुझे भी घर से निकालती है। शाम को सबके आने से पहले वो घर पहुंच जाती है। वो बिरयानी भी उन्होंने नहीं बन। साबुदाने की खिचड़ी के लिए साबुदाना भून। अरे मारो डिक्रो। हेलो, आपने अभी रिसेंटली अपने शो में चिकन बिरयानी की रेसिपी दिखाई थी क्या? बिरयानी? बिरयानी के बारे में क्यों पूछ रहा है? तू बनाएगा क्या? सन सन कुछ नहीं मम्मी, काले फोन करीश। सुन तू पहले, काट दिया। किसने कहा मेरे पास काम नहीं है? सुबह से मैं कितना बिजी है मालूम है? सत्या, आज तुमने बिरयानी ज्यादा नहीं खाई। खुद का पकाया मैं कितनी बार खाएगी? आज लंच में भी बिरयानी था। सुबह से मैंने कितना सारा काम किया है, मैं बहुत थक गई है। अब मेरे को सोने का है, कल बात करते। गुड नाइट। लेकिन सुबह जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, मैडम किसी को मिलने जाती है और शाम को वापस आती है। ये सब नए पर्दे दुकानदार ने मेरे सामने लगाए हैं। उस दिन भी मैडम शाम को घर लौटी थी, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि उन्होंने खुद अपने हाथ से पर्दे सिले, और वो बिरयानी भी उन्होंने नहीं बनाई थी। सत्या, सन इन लॉ बोल रहे हैं? हाँ मैं ही हूँ। कैसे हो बेटा? फिट एंड फाइन छू। आप और अंकल कैसे हैं? हाँ हम लोग सब ठीक है। बहुत दिन से सत्या से बात नहीं हुआ। मैंने लैंडलाइन पे फोन लगाया पर किसी ने फोन उठाया नहीं। उसका सेल फोन भी ट्राई किया पर लगा नहीं। टेंशन मत लीजिए, 2 दिन के लिए लीव ली थी, हिल स्टेशन घूमने गए थे, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। ओ ऐसा क्या? अभी सत्या नहाने गई है, जैसे ही बाहर आएगी आपसे बात करवा दूंगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुमसे बात हो गया तो दिल को तसल्ली हो गया। ठीक है बाय। ये अननोन नंबर किसका है? हेलो हेलो मैडम, क्या आप घड़ी घड़ी मुझे फोन कर रही हैं? मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, जैसे ही वो आएगा मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है, फोन रखिए प्लीज, बाय। तो क्या बात कर रहे? तेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं बैठ रहा है मेरे को। मैं भी उतना ही हैरान हूँ, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि रोज सुबह वो कहीं ना कहीं जाती जरूर है, कुछ तो गड़बड़ है। एलाए, तूने बोला कि दिन में वहाँ कोई भी सर्वेंट नहीं रहता, लेकिन तू तो रहता है ना, कुछ तो देखा होगा तूने। नहीं जोयू, काम के बहाने मुझे भी बाहर भेज देती है और बोलती है 6 बजे के पहले घर मत आना। समझा, मतलब इस समय भी घर पे कोई नहीं होगा, बराबर ना? हाँ बराबर मोटा भाई। शिवा, तू खोटी खोटी चिंता करवाना बंद कर, बिना सच को जाने किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँचना चाहिए। अभी तो सीधा घर पे जा और देख के घर पे भाभी है कि नहीं, जब वो आ जाए तो धीरज रख के उसको ऑब्जर्व कर। देख रहीम का केस तेरे को ही सॉल्व करने का है, अगर छोटी बड़ी बात पे अपसेट होगा ना तो केस पर से तेरा फोकस हट जाएगा, बोल देता हूँ।
जो भी उलझन है उसको आज ही खत्म कर। ये झूला झूल रहा है अपने आप, दरवाजा भी खुला है, मतलब वो अंदर है, कुछ तो लोचा है भाई। Yes. Maybe she'll feel so guilty she'll never make me celebrate the holidays again. So your evil plot here is to buy your girlfriend a present? That's right. Hey, ऐसा क्या देख रहे हैं? अपन को माफ कर, ये टेंशन अपन की जान ले लेगी। कौन है वहां? मसकले। क्या देख रहे भाई? अपन रहीम, बिरयानी रहीम। मेरा खून जिसने भी किया, उस कुत्ते के बच्चे को, उस कमजल्फ को कब पकड़ेगा तू? बोल। अपन को नहीं मालूम अपन को काहे को मारा, कौन मारा, पर अपने को पता करने का है। तू अपन को बताएगा कौन मारा? बोल। अपन के कातिल को पकड़ने की जगह अपना निकाह करके सुकून से चोरू के साथ जलसे मना रहे तो बेगैरत, जा उसको ढूंढ। जब तक अपन के खूनी को पकड़ के नहीं लाएगा, तब तक अपन तेरे बीवी के बदन से बाहर नहीं निकलेगा। खुदा की कसम। बचपन की तरह आज फिर भूत ने मुत्रा दिया। तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? सेंट मैरीज मैट्रिकुलेशन। वहाँ के प्रिंसिपल का नाम? मदर क्लारा। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम? अंजलि। रहीम को जानती हो? रहीम। तुम्हें वो याद है? हाँ। बताओ। उसका नाम मैंने शिवा की फाइल में पढ़ा था। शिवा से शादी करने से पहले तुम किसी और से प्यार करती थी? नहीं। अपने स्कूल में या कॉलेज में? नहीं, कभी कोई अफेयर नहीं था। कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें पसंद करता हो? कॉलेज में एक लड़का था जो मुझे फॉलो करता था। उसका नाम? राहुल। राहुल या रहीम? राहुल। फिर क्या हुआ? एक दिन मैंने उसको डांटा, पुलिस का धमकी दी, पर वो नहीं सुधरा। एक रात को उसने घर पर फोन किया, उसने बहुत सारा खरी खोटी सुनाया, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा उसको कभी नहीं देखा। डॉक्टर, मिस्टर शिवा, पूछने पर उसने अपने स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स, टीचर्स, इन सब की डिटेल्स बड़ी क्लैरिटी से बताई। अगर वो किसी रहीम को जानती तो उसे जरूर याद आता। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि वो पहले से रहीम को नहीं जानती। अपनी पत्नी के साथ रहीम के मर्डर केस को डिस्कस करना बहुत बड़ी भूल थी। आप तो अपनी इन्वेस्टिगेशन में बिजी हो जाते, लेकिन आपकी वाइफ घर पर बैठे 24 घंटे हर वक्त रहीम की डेथ के बारे में सोचती रहती। इट कुड बी अ सीरियस मैटर। देखिए मिस्टर शिवा, हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर जैसा है, हम जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें फीड करते हैं वही थॉट प्रोसेस बन जाती है, और आपकी वाइफ सत्या ने रहीम का केस दिमाग में स्टोर कर लिया है। मेडिसिन से मेमोरी तो सप्रेस हो जाएगी, पर आप कोशिश करें कि सत्या का माइंड रहीम के बारे में ना सोचे। मेरा सन आ गया। हाय मॉम। हाय निकरा। कोई ना नहीं चली सकती, अभी गिर जाती तो। नहीं रे, कंट्रोल नहीं कर पाई। तूने कहा था ना कि तू 6 महीने के बाद आएगा, लेकिन तू जल्दी आ गया इसलिए। अरे बहू, भूल तो नहीं गई मुझे? ऐसा कैसा भूलेंगे? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ओ चोर जी।
आचर टिक रहा। कैसी सास है, अपनी शैतान बहू को परख भी नहीं पा। नमः शिवाय। हेलो सेठ जी, इधर आओ ने। तू इधर आ। पदरे से चालाकी। ए स्टॉप, मारी बात सांपड़ो। जैसे ही मैडम ने इस घर में कदम रखे, अब की मम्मी के कदम डगमगाए। मतलब मैडम डायन है। मुंह का पिंजरा बंद रख। सासुमा टीवी शो कैसा चल रहा है? खुद की क्या तारीफ करूं? अब तक 25 लैंग्वेजेस में डब कर चुके हैं मेरे बावर्ची शो को। अच्छा? अभी भी दो और चैनल्स का ऑफर आया है, पर मैंने रिजेक्ट कर दिया। पूछो क्यों? काइको स्विट्जरलैंड से ऑफर आया है कि पाव भाजी कैसे बनाते हैं, ढोकले का पिज्जा कैसे बनाते हैं, और यही सब सिखाने के लिए मैं जा रही हूँ स्विट्जरलैंड। तू क्यों नाच रहा है? माता जी, आज की फेंकने की रेसिपी हो गई हो तो आज का डिनर का मेन्यू बताओ ने। मेरे को काम वाले भाई समझा तूने? हाफ चटे, अबे बच्चों के गीले डायपर, औरतों की हेयर क्लिप, तबेले से गाय का गोबर लेके बाहर जाके बेचता है थर्ड क्लास। सक्सेसफुल चोर बनना सबके बस की बात नहीं है। नहीं, इसके लिए तो तुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए चोर कहीं का। ए माता जी, छोटे चोर मेरे फोटो की आरती उतारते। रुक की जा, तेरी तो मैं मोटे चप्पल से आरती उतारती हूँ। रुक, चोर बदमाश कहीं का। ये क्या पकड़ा पकड़ी छुपा छुपी खेल रही है? भूख लगी छे, खावानू खवड़ाओ ने बेन। तेरे को क्यों खिलाऊं? अपनी पनीर जैसी बहू को खिलाऊंगी। ऑनलाइन पनीर मंगवा के उसका कीमा बना के भरते में मिला के बनाया है। आजा बहू, संतु भी आजा। सेठ जी, आपकी मम्मी ने खाने में कीमा बनाया। तेरी प्रॉब्लम क्या है? समझने की कोशिश करो, कीमा देख के रहीम की आत्मा की भूख जाग गई तो क्या करेंगे? तो जागने देना। अरे सुन, आपको डर नहीं लगता? ये तुम्हारी पत्नी छे। जब मैंने रहीम की आत्मा को सत्या के शरीर में जाते देखा, तभी मैं समझ गया कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। कुछ समझा? मैं उसकी मदद करूंगा। फट्टू कहेगा। मुझे लगता है अगली बार मेरा कीमा बनेगा। Use me, eat me। मैं तो कहता हूँ रहीम नहीं, उसकी पूरी फैमिली खाने के लिए। अपना मुंह बंद रख। मतलब जुबान काट देंगे। सिट बहू। स्पेशल मट्टू बिरयानी बनाई है। अलेले मुरीगियो बिरयानी। सर, मेरा तो उपवास है। आपको फैमिली के साथ लास्ट खाना मुबारक हो। अरेस्ट नहीं किया, हाथ नीचे रख। मेरे को बिरयानी बहुत पसंद है, आपको कैसे पता? सर ने मुझे। मम्मी, मुझे भी थोड़ा खाना खिलाओगी? दे छू डिक रहा। खाना देख के डर गया? नहीं, खाने के बाद क्या होगा सोच के डर रहा हूँ। बस बस, आप ही दो थोड़ू, खा लो, भूख लगी है। लाइफ का आखिरी खाना समझ के खा लेता हूँ। खा के मरेगा ये। दे दो, दे दो। शुरू हो गया। बिरयानी देखते ही आंखों की गोटियां घूमने लगी। मोटा भाई, अभी कौन खा रहा है, मैडम या रहीम भाई? तू चुपचाप खाना। मरी गयो। हड्डी को कुत्ते की तरह क्यों खा रहा है? सर, खाने की कोशिश मैं कर रहा था, लेकिन आवाज वहां से आई। हॉरर शो स्टार्ट हो गया है, देखो। खा नहीं पाऊंगा, चूस लेता हूँ। ईमानदार, तालाब से पानी पीती भैंस की तरह आवाजें मत निकाल। ये फिर से रॉन्ग नंबर मत लगाओ। मैं नहीं, उधर सामने ठूस के खा रही है, मतलब खा रहा है। मैं तो खाली भात खा लेता हूँ। बिरयानी तो एकदम सुपर बना है। एक बात बताओ, यह बिरयानी आपने नहीं बनाया ना? मियाँ भाई ने बनाई है। उनका नाम क्या है? करीम भाई। ये क्या कर रहा है, सबका खाना खराब कर दिया। माँ बाप ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या? बिरयानी की बजाय मुझे तुझे बासी चावल देना चाहिए था। चुल्लू भर पानी पी ले, वरना उसी में डुबा दूंगी। आज स्पेशली तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई है। वो मेरा ही असिस्टेंट है, मैंने ही उसे खाना बनाना सिखाया है। करीम भाई। आराम मोहतरमा। मैं तो कुत्ते को खिलाने के लिए जा रहा हूँ। ओके, हम आपके कौन? दिल तो पागल है। डर? किससे डर? ये डर नहीं है? ये पेट से आई डकार। ऐसा क्यों होता है? चाहे जितना भी अच्छा बिरयानी बना लो, आपका बिरयानी जैसा टेस्टी नहीं बनता। अरे बात ऐसी ना बेटी, जो खास मसाले इसमें चाहिए वो हर कोई तैयार न को कर सकता ना। इसमें क्या क्या पड़ता है? लौंग, इलायची, अदरक, लहसुन, प्याज, सबको पीस को उसका पेस्ट बनाता, फिर उसको एक बड़ी कढ़ाई में डालता, फिर उसमें हींग, जीरा, मेथी, तेज पत्ता, हरी मिर्ची को तेल में फ्राई करके मटन को साफ करके उसमें डाल देते। फिर ऐसा वैसा कोई नहीं,
बेस्ट क्वालिटी का बासमती को धो को कढ़ाई में मिक्स करते है, फिर बर्तन को ढक के रख देते। पूछेंगे नहीं काई को? क्यों? बर्तन खुला तो मेरे मसालों की खुशबू उड़ जाती ना। सर, क्या इसी की कमी थी सर? अब तक जो तूफान नहीं आया था ना, इसकी वजह से बवंडर आ जाएगा सर। करीम भाई, आप जा सकते हैं। आदाब। खुदा हाफिज। अब जाओ ने, बिना पूछे बिरयानी का रेसिपी कुकिंग क्वीन को बता दिया, अब जाओ। सुन जरा, टेबल साफ कर दे। जी माँ जी। मैंने यहाँ बीड़ी का बंडल रखा था। सत्या, छू बीजी छू। मैं अपना हिट शो छोड़ के तुम्हारा फ्लैप शो क्यों करूं? माँ, सत्या क्या चे? मेरे पल्लू से बंदी ये खोल के देती हूँ। हर बात में मजाक करती है। खबर ऊपर होगी, जाके देख। वो ऊपर क्यों गई? एक मिनट भी अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। मारी बहु लकी छे। सत्या, सत्या कहाँ चली गई? सत्या, यहाँ क्या कर रही हो? छत पे आकर मेरे को पता चला कि बाहर कितनी सुंदरता है। शादी होते ही मेरे को घर के बाहर लेकर गए। मैं ठीक से घर भी नहीं देख पाई। इधर मन को कितनी शांति है। ऊंची बिल्डिंग, हरियाली, ठंडी हवा, बहुत अच्छा लग रहा है। यही बताओ, तुम बिरयानी पूरा खत्म क्यों नहीं किया? वो मैं आपकी बिरयानी अच्छी नहीं थी। नहीं थी। तुझे यहाँ आने को किसने कहा था बेवकूफ? तुम इधर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मैं बिरयानी कब बनाया? तुम भी किसकी बातों में आ गई? इसने सपने में देख लिया होगा और उसे खा भी लिया होगा। ये एक नंबर का बुक्कड़ है, बुक्कड़। तुम चुप हो जाओ। कुछ नहीं समझ रहा। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। बिरयानी कब बनाया? ये तो खुदा को भी नहीं पता। मैंने क्यों पंगा ले लिया? इसे अच्छा सुसाइड कर लेता हूँ कि दस कूदूं। अबे अकल के दुश्मन। सॉरी सर। ये बिरयानी बनाना भूल कैसे गई? मतलब और किसी ने बनाई होगी, है ना? सत्या के शरीर में रहने वाले रहीम ने। क्यों मोटा भाई, किस लिए? आप में भी आत्मा आ गई? इसका मतलब समझ गए? उस डॉक्टर के इलाज की वजह से अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अगर वो ठीक है तो रहीम के लिए नया शरीर चाहिए होगा ने? उसने रहने के लिए कोई नया शरीर ढूंढ लिया होगा। रहीम की बीड़ी तुम्हारे हाथ में कैसे? खबर न थी। तुम कुछ समझे? आप ही समझाइए ना। तुम्हारा नंबर लगा है। ऑल द बेस्ट। आप ये क्या कह रहे हैं? एंटर करेगा ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई खुशखबरी हो। लाहौर वाया कुवैत, लाहौर वाया कुवैत, लाहौर वाया कुवैत, कुवैत। हर बार नया शौक देता है। यहाँ मैं सत्या को ढूंढने निकला हूँ और तू ये पहन के बैठा है? ये सेफ्टी के लिए पहना है सर। लास्ट टाइम नॉर्मल कपड़ों में नल खुल गया था, इसलिए आज ये कपड़े पहन लिए ताकि वो मुझ पर रहम करे। ए वहम न करे सर। ठीक है, चलो सत्या को ढूंढते हैं। नहीं, आप चाहते हो मैं आगे रहूं? नहीं, ये काम करते हैं ना, आप उधर जाके ढूंढो, मैं इधर जाके ढूंढता हूँ। ओके। हाँ ठीक है, बच गयो। मैं नहीं ढूंढूंगा।
इधर से टिकट निकाल के लाहौर वाया कुवैत जाऊंगा। इतना जोर से चिल्लाई, तुम में डर का डीप भी नहीं है? खूबसूरत बीवी डरने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए होती है। अगर सिर्फ मुझे डराने के लिए आधी रात को तुम अकेली छत पर आ सकती हो, तो इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। तुम अपना काम फिर से शुरू कर सकता है। जल्दी से रहीम के कातिल को ढूंढ निकालो। ऑलरेडी 50% केस सॉल्व कर चुका हूं। क्या मतलब 50%? मुझे एक कबूतर से जो क्लूज मिले हैं उससे ये तो कंफर्म हो गया, रहीम ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ। करेक्ट। उस रात कबूतर उसी ट्रेन में था। कबूतर ट्रेन में ही था? इतना यकीन से कैसे कह सकती है? इधर लोकल मुस्लिम्स कबूतर पालने का शौक रखता है, इसीलिए कहा मैंने। सबसे पहले मुझे संगीता से मिलना होगा, उससे रहीम और कबूतर का कनेक्शन पता करने के बाद मुझे ये प्रूफ करना होगा कि ये सुसाइड नहीं मर्डर केस है। ठीक है, जाके उस लड़की से मिलो, उस कबूतर का सच जान लो, उसके बाद उस खूनी का पता लगाना। मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। सत्या, जैसे जैसे तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन से कदम उठा रहा हूँ, तुम्हारा शक दूर होगा। इसीलिए आज के बाद यही तुम्हारा इलाज है। तुमने खबर छे, मैं दिन रात इस घर की पहरेदारी करता हूँ। रात को छत पे मैम साहब डराती है और दिन में साहब डराते हैं मुझको। मुझे तो लगता है मैं यहाँ से सीधा स्वर्ग पहुँच जाऊंगा। अब मैं यहाँ से अपना माल लेके रफू चक्कर होना चाहता हूँ। ये मेरा रिक्वेस्ट लेटर है। पोस्ट वो मना गई। किसको लेटर भेज रहा है? डोसी माँ, मेरे जैसा चिंदी चोर एक महल जैसे घर में आ गया है। अब जैसी रसोई रानी के दर्शन कर लिए है, अबे बच्चू, इसलिए मैं भगवान को इतना बड़ा थैंक यू बोल रहा था। वाह 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 वाह, तुम्हारा दिल तो एकदम खरे डायमंड जैसा है। फिर ये चोरी जैसा गंदा काम क्यों करता है? सोने की चमक देख के अंधा हो जाता हूँ। कुछ नहीं, आपको जानना है मैं चोर कैसे बना? आप बोलो, मैं बोल कर बताऊँ या एक्शन करके दिखाऊँ? कैसेट का जमाना चला गया, एक्शन कर गांडे। हाँ, मैंने भी यही सोचा। आप कितनी इंटेलिजेंट है, एक मिनट हो। व्हाई आर यू क्लोजिंग दरवाजा? डरिए मत, कोई मेरी कहानी चुरा के उसकी फिल्म ना बना दे, इसीलिए। ओके ओके ओके, कम कम कम, कमिंग कमिंग। आजा आजा ईमानदार, आइया सीट, अपनी स्टोरी सुनाओ। आ गया, एक सेकंड। स्टोरी ज्यादा इमोशनल है। ए माता जी, एक स्लम डॉग फक्कड़ फैमिली में मैं पैदा हुआ। माय गॉड। माँ और 10 भाई बहन, कमाने वाला मैं अकेला, सिंगल अर्निंग मैन। और मेरी माता 24/7 बीमार रहती, भाई बहन निकम्मे ऊपर से अनपढ़। माँ ने कहा इनकम का सोर्स बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाओ। पहले मैं घर घर जाके दूध बेचता था, फिर दारू बेचने लगा, लेकिन सोडा जितना पैसा नहीं कमा पाता था। एक बार एक घर में चोरी करते समय आप जैसी एक अच्छी नेक दिल छठानी मिली, उसके बेटे ने अपने यहाँ नौकर रख दिया। क्या बात है, बट को इंसिडेंट। क्या कहा, कोल्ड यानी जुकाम हो गया? इतना भी नहीं जानता, मतलब दोनों कहानियाँ कितनी मिलती जुलती है ना। दो कहानी जुड़वी बहन है। उसके एक बेटे की नाक पर गुस्सा और मैडम की नाक पर सोने की नथ, सर से पांव सोने से लदी, ज्वेलरी शोरूम की मॉडल जैसी। वो माता गुस्से में डायन जैसी लगती। आर यू इनडायरेक्टली कॉलिंग मी अ डायन? डायन होगी आपकी दुश्मन, आप तो देवी हैं। कहां वो कहां, ऐसी लेडी जिसमें दया ना हो किसी डायन से कम नहीं होती। नाउ कंटिन्यू। हां, एक दिन थोड़ा सा लेट पहुंचा, कुछ 10-12 घंटे, अपनी साइज से ज्यादा गालियां देने लगी। मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं सीधा घर गया और घर जाकर मैंने दरवाजे बंद कर दिए, फिर चाकू ढूंढने लगा। मैं डेमो करके दिखाता हूँ आपको, हल्ला मत हल्ला मत, यहीं रहना। फिर मैंने ऐसे चाकू उठाया, उस पर भी एक सेब लगा हुआ था। वाओ, बिना खून खराबे के क्राइम शो देखने का क्या मजा हो। फिर सेब को निकाला और स्टाइल से फेंका, फिर गर्दन पे रख दिया। अगर मैं होती ना तो बुढ़िया की गर्दन काट डालती, उससे तिजोरी की चाबी मांगी। बिल्कुल करेक्ट किया हो। क्या मोटी बुद्धि की औरत, तुझसे चाबी मांग रहा हूँ। मुझे फील हो रहा है वो ओल्ड वुमन मैं ही हूँ। अरे कहाँ फंस गया मैं, बात को समझ, तुझसे चाबी मांग रहा हूँ। कैरेक्टर में घुस गया, एक शब्द बोला तो आर पार करके परमानेंटली सुला दूंगा। इतना भी नहीं पता चाबी तकिए के नीचे छुपाते? आजकल सेठ लोग चाबियां छुपाने के लिए क्रिएटिव आइडिया ढूंढते हैं।
जाके उस चाबी को निकालो और अलमारी खोलो, जो भी हीरे मोती जवाहरात कैश है सब बाहर निकालो। उसके बाद ईमानदार भद्रे से, ईमानदार भद्रे से, ईमानदार भद्रे से, ईमानदार भद्रे से 1008 बार बोलो। खजाना मिलेगा ना मुझको? क्या जोक मारा? खजाना मिलेगा नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। जो कहता हूँ जल्दी करो, डेमो खत्म, चाकू रख दे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये चाकू को पकड़ो, मजबूरी है, एक हाथ से लॉकर नहीं खोल सकता ना। कोई खिलौना नहीं है, खेलने मत लग जाना। नहीं खेलूंगी। मंत्र तेरे पप्पा पढ़ेंगे क्या? हाँ बोलती रहो। ईमानदार भद्रे से, ईमानदार भद्रे, ये चाबी है ना? ठीक है, आज हाथ मौका लगा है। ईमानदार भद्रे से, ईमानदार भद्रे से, ईमानदार भद्रे से, सेवर कैश गोल्ड सब गया, मेरी फेवरेट साड़ी। अबे पिक्चर समझायू, उस दिन मैं चोरी करके जा रहा था तो उसका बेटा ऐसे ही स्टाइल में खड़ा था, लेकिन उसका बेटा ऐसा सुपर हीरो नहीं था ना, फिर मैंने उसको धक्का मारा और ये कहानी खत्म होती है। नमस्ते, आओ जो मम्मी बताओ ने, ये एक नाटक था। अबे तू 35,000 की साड़ी अंदर रख। मम्मी ने कहा कि मैं ऐसे चड्डी वाला सक्सेसफुल चोर कैसे बना, तो मैंने कहा कि मैं बोल के बताऊं कि करके, तो उन्होंने बोला करके दिखा रहा ना, आजकल टीवी का जमाना है, तो टीवी पे दिखाया। शिवा, इसने मेरे थ्रोट पे चाकू रखा। ये तो मात्र एक संयोग है, वो पिक्चर में बोलते हैं ना। मेरे को डरा रहा था, सांभा ना मम्मी, मेरे को मैंने बद्दू खबर छे। यस सर। पूरे घर में CCTV कैमरा लगाए, तेरा लाइव डेमो मैं इस मोबाइल पर देख रहा था। CCTV दिखाओ मैं कैसा लगता हूँ। मम्मी, ए पापा, ए मरी गयो, ए बचा। ऐसी हरकत अगर फिर से की ना तो गले से नीचे बुलेट उतारूंगा। तुम्हें तो बहुत क्रिएटिव छो। मम्मी, एक केस के लिए मुझे कुछ दिन बाहर जाना होगा। इस खूनी को यहाँ छोड़ के। डोंट वरी मॉम, चाबियां इसी के हाथ में दे दो, किसी और ने भी चोरी की तो भी इसी को ठोकूंगा। अब तो ठीक है ना, अपना ख्याल रखना। वापस आने तक मेरी बीवी और माँ की सेफ्टी तेरी जिम्मेदारी है, उन्हें कुछ हुआ तो। मैं किधर फंस गया? रहीम जिस ट्रेन में था, क्या उसमें कोई कबूतर भी था? जी हाँ सर, जहाँ भी रहीम जाता था दिलबर उसे फॉलो करता था। दिलबर कौन है? रहीम का फेवरेट कबूतर, उसका नाम दिलबर था। वो दूसरे कबूतरों से कहीं ज्यादा समझदार था और हर साल पिजन टूर्नामेंट में वो हमेशा फर्स्ट प्राइज जीतता था। वैसे ये पिजन टूर्नामेंट क्या है? कबूतर पालने वाले लोग अपने पक्षियों को एक एनुअल रेस में उतारते हैं। इस रेस को होमिंग पिजन कहा जाता है। हर पार्टिसिपेंट रेस में 5 से 10 कबूतर उतारता है। रेस से ठीक एक दिन पहले इन सभी कबूतरों को पिंजरों में रखकर ट्रक या ट्रेन से रेस के लिए लाया जाता है। हर स्टेट के लोग इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। जो कबूतर इस रेस में हिस्सा लेंगे उन पर एक टैग लगाया जाता है और फिर उस कोड को नोट कर लिया जाता है। टैग लगाने के बाद वही कोड उनके मालिक को भी दिया जाता है ताकि विनर की पहचान हो सके। रेस की मंजिल के लिए किसी एक खास शहर को चुना जाता है, वहाँ पर इन सभी पिंजरों को लाइन में रखकर एक साथ खोल दिया जाता है। चाहे कबूतर को किसी भी शहर से उड़ाया जाए, वो लौट कर अपने मालिक के पास ही आता है। जो कबूतर पहले पहुँचता है वो रेस जीत जाता है। पिछले कई सालों से रहीम ही रेस जीतता आया है। जितनी ट्रेनिंग वो अपने कबूतरों को देता उससे कहीं अधिक वो उनसे प्यार करता था। उसका फेवरेट पिजन था दिलबर, पिछले 3 सालों का विनर। अगर जीत नहीं सकता तो काई को रेस में हिस्सा लेता है? कबूतर उड़ाना तेरे बस की बात नहीं है, तू जाके मच्छर उड़ा। तू ऑस्ट्रेलिया से, हंगरी से, दुनिया के महंगे कबूतर मंगाता है, लेकिन जीतता वो 2 कौड़ी का बिरयानी वाला है, कुछ सोचो जाकिर। हमें हर हाल में अगले साल कबूतर रेस जीतनी होगी। जीतना कैसे है वो तुमको देखने का है। सिर्फ बंगला प्रॉपर्टी से किसी का रुतबा नहीं बनता, जीतने से बनता है। जीतने वाले को कितना पैसा मिलता था? 50,000 कैश और 10 ग्राम गोल्ड। अगर रहीम का कबूतर मुझे कुछ बताना चाहता है तो वो जरूर मेरे पास आएगा। सत्या, सत्या। क्या हुआ माँ, क्या बात है? चैनल से कॉल आया था कि मुझे शूटिंग के लिए आउटडोर जाना है। मैंने हाँ भी कह दिया, लेकिन अचानक उन लोगों ने लोकेशन चेंज कर दिया और ऊटी कर दिया। अब मैं ऊटी कैसे जाऊँ? मुझे 4-5 दिन बाहर रहना पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरे को अकेले जाने को डर लगता है। अब तू ही मेरे को सजेशन दे ना, क्या करूं? तो बहुत ग्रेट न्यूज है, आपको जाना चाहिए। तुम्हें तो ये ग्रेट न्यूज लग रही है, लेकिन तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? मैं तो अकेला रह लेगा मम्मी जी, क्या आप अकेला जा पाएंगे? मैं अकेली कहाँ हूँ, शूटिंग वाले साथ में ना। मैं भी अकेला कहाँ रहेगा, घर में और लोग भी तो रहेंगे। कौन? मिस्टर ईमानदार एंड कंपनी। अरे वाह, तेरा दिमाग तो बहुत शार्प है, अपना ख्याल रखना हो। जाओ एंजॉय करो। <आगा। laughs>
तांडव कैसा भूत जैसा डराता है रे। क्या करूं, इस खूबसूरत होलिये में पहचान नहीं पाया। मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही ना? डायनासोर अपने अंडे ऐसे घोंसले में देते होंगे ना? गधेड़ा कहीं का, अमेरिका से भी लाई हूँ, तेरे को क्या मालूम लो ग्रेड आदमी कामचोर। देख मेरी बहू कितनी हिम्मत वाली है, तू तो मेरे को देख के डर गया। क्या बताऊँ, आपने उन्हें बीड़ी पीते देखा नहीं है ना, इसलिए। बीड़ी? मेरी बहू कभी बीड़ी नहीं पी सकती, तू भी बाहर जाके पीना अगर तेरे को पीना हो तो। हाँ, मेरी बहू का ख्याल रखना और कुत्ते के साथ सो जाना डर लगे तो। किससे डरूं, इस बहू से या इस घर के कुत्ते से डरूं है? मेरा ख्याल रखने के लिए मैं भूतनी से तो नहीं बोलूंगा। मम्मी दरवाजा अपने आप बंद हो गया, मरने के बाद मेरी आत्मा यही लेफ्ट राइट घूमती रहेगी। जब मैंने रहीम की माँ से बात की तो उन्होंने बताया कि रहीम मौत के 2 दिन पहले तक काफी टेंशन में था। हाँ सर, अपनी प्रॉब्लम तो मुझे क्यों नहीं बता रहे? खाली भोकट अपना टेंशन तेरे को काय को देगा रे? रहीम के मन में क्या चल रहा था, क्या उसने ये बात तुम्हें कभी नहीं बताई? बहुत जिद करने के बाद उसने अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर की। क्या बताया उसने? रहीम ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ा था, चोर सामान उसके पास छोड़कर वहाँ से भाग गया था। सामान क्या था और किसका? उसने कभी मुझे बताया ही नहीं, बस वो असली ओनर को ढूंढना चाहता था। मतलब रहीम के पास कुछ चोरी का सामान रखा था। ये बात इतने दिनों तक पुलिस से क्यों छुपा कर रखी? क्योंकि वो चोरी का सामान लौटाने ही वाला था, इसलिए हमने ये बात छुपाई, और कोई वजह नहीं थी। किसका सामान था वो? कहाँ रहता था? वो कौन है या कहाँ रहता है ये उसने नहीं बताया, लेकिन एक दिन पहले उसे एक नया ऑर्डर मिला था, वो बहुत खुश था, पर अगली सुबह हमें उसकी डेड बॉडी मिली सर। सर रहीम जिस कंपार्टमेंट में चढ़ा, ब्लाइंड पर्सन के अलावा दूसरा कोई नहीं चढ़ा। अगला स्टेशन प्ले कीजिए। सर ये रात की लास्ट पैसेंजर ट्रेन थी, इसमें सिर्फ 20 पैसेंजर्स ही थे। नेक्स्ट स्टेशन। सर आखिरी स्टेशन आने तक ना ही उस डब्बे में कोई चढ़ा और ना ही कोई उतरा। ओहो हो, कंपार्टमेंट में जो ब्लाइंड पैसेंजर चढ़ा था किसी ना किसी स्टेशन पे तो उतरा होगा, कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गया? हाँ, अभी पता करते हैं, आप गाड़ी को आगे चलो। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। सर वो अंधा आदमी किसी भी स्टेशन पे नहीं उतरा। तो उसके उतरने की कोई फुटेज नहीं है। फर्स्ट स्टेशन का फुटेज फिर से चलाना। वो S7 कोच में चढ़ा था सर। रहीम का कंपार्टमेंट नंबर क्या था? S5। रहीम जिस जगह से नीचे गिरा उसके अगले स्टेशन की फुटेज दिखाना। इस स्टेशन पे सिर्फ एक आदमी उतरा सर, पर वो अंधा आदमी नहीं था। कौन से कंपार्टमेंट से नीचे उतरा ये? S2 सर। थोड़ा सा जूम करना। फ्रीज इट। इस इमेज को सेव करो। जरा रिवाइंड करके उस ब्लाइंड पैसेंजर की फुटेज दिखाना। जूम इन, फ्रीज। दोनों इमेजेस मुझे स्क्रीन पर दिखाओ और उन्हें मैच करो। ओके सर। ये आ जाओ, दोनों एकदम जेरोक्स कॉपी है। या तो ये कुंभ के मेले में बिछड़ गए या एक ही आदमी ने कपड़े बदल लिए हैं। यस। सो ही इज द मर्डरर। अंधा होने का नाटक करके S7 में चढ़ा, वहां से S5 में गया, रहीम का मर्डर किया और फिर S2 से नीचे उतरा। इस महाशय की जन्म कुंडली निकालो। हवे चुड़ैल आवे के उसकी मम्मी आवे, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। मैडम के डिनर होने तक ऐसे ही घूमूंगा। कहाँ थे, कौन थे, क्या थे? मैडम आप कहाँ हैं?
यहाँ हूँ मैं। वाह क्या बात है, अभी मूड ठीक है। इसका मतलब मैडम मैडम ही है और कोई नहीं है। ये पट्टा ही ठीक है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ए मैडम, आप हमेशा कमरे में बैठे रहती है, बाहर आइए ना। मैडम खाना खाइए। मुझे नहीं खाना। इस बार आवाज बाहर से आई। आप दिखाई क्यों नहीं दे रही है मैडम? कहाँ है आप? आप दिखाई नहीं दे रही है मैडम, कहाँ है? मैं यहीं पर हूँ। आप मेरे साथ छुपा छुपी का खेल खेल रही है ना? मैंने पट्टा बांधा है तो आप लुका छुपी खेल रही है। मैडम मेरी बात सुनिए, देखो मैं आपको पकड़ लूंगा ना, उसके बाद आप पे डाइव। आप डाइव देखी? मम्मी मरी गयो। तेरी शकल देख के मुझे अफ्रीका की गोरिल्ला की याद आ गई। माता जी, जब मैं सीढ़ियों से गिरा तो सिर्फ मेरी गर्दन टूटी थी, लेकिन इन्होंने एम्बुलेंस में डेड बॉडी की तरह पटका और स्पीड ब्रेकर से लगा बॉडी को झटका। गर्दन के साथ बाकी जो हड्डी बची थी उसमें भी फ्रैक्चर हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर गया हूँ। एम्बुलेंस की मिमिक्री अच्छी करता है तू। करेक्ट। क्या हुआ मम्मी? मने नथी खबर, मुझे लगा था ये टपक जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे इससे। आंखों पे पट्टी बांध के छुपा छुपी खेलना जरूरी था, सीढ़ियों से गिर गया ना। मैं अपने आप नहीं गिरा, मेरा शर्ट किसी ने पकड़ा और उठा कर फेंक दिया। किसी ने फेंक दिया? लेकिन किसने? सर कमनियर। टूटक टूटक टूटिया, मैं अभी भी दोनों पनौती है, दोनों मेरी हड्डी तोड़ते रहते हैं। सर आप जिसे ढूंढने कहीं और गए थे ना, वो इसी शहर में है, किसी पब्लिक पार्क में नहीं है, आप ही ने घर में आत्मा पार्क कर रखी है। इसी शहर से क्या मतलब, और बार बार आत्मा के बारे में क्या बोल? मॉम, सिर पर चोट लगने से ये पागल हो गया। करेक्ट है, पागल बोला। इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देते ना सिवा। मॉम वो मैं केस से सीधा यहाँ आ गया, सत्या घर पर अकेली होगी, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। एक काम करना, जैसे इसे डॉक्टर डिस्चार्ज करें, इसके बिल सेटल करके इसे घर लेकर आना। तू मेरे को इस पागल के पास अकेला छोड़ के जा रहा है। ओम नमः शिवाय मम्मी। ओम नमः शिवाय। चिंता मत कर, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। हो आहा, आपकी बात सुनकर लीवर को सुकून, किडनी को आराम मिल गया है। अभी हॉस्पिटल में है ना, तो तेरा दिमाग भी ठीक कर देती हूँ। माता जी माता जी माता जी, वो माइक्रो ओवन नहीं है, धड़कन नापने की मशीन है। अगर लाइन ऊपर नीचे होने के बजाय सीधी हो गई ना, तो मैं हमेशा के लिए लंबा हो जाऊंगा। मर गया। कुछ चोरी का सामान था और जब तक वो उसे लौटा नहीं देता, उसे चैन नहीं मिलने वाला था। ये रखो। ये क्या सर? आपके कहने पे मैंने आपको डुप्लीकेट चाबी दी, लेकिन आप तो यहाँ का सामान ले जा रहे हैं। अगर डेविड ने मुझे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो एक शातिर क्रिमिनल है। क्रिमिनल? डेविड ने तो मुझे बताया था कि वो एक रियल एस्टेट एजेंट है सर। अगर मुझे उसकी सच्चाई पता होती तो मैं उसे ये रूम नहीं देता। Allah, 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 All
सत्या, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो सर। डेविड वापस आ गया है, किसी भी हालत में उसे वहां से जाने मत देना। ओके सर। मुझसे झूठ बोला कि तू एक प्रॉपर्टी डीलर है, भाग यहां से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इतनी जल्दी दूसरी जगह कैसे ढूंढूंगा, मेरे को 2 महीने का नोटिस चाहिए। तुझे पता है एक CID वाला आया था तेरी इंक्वायरी करने के लिए, कल CBI वाले आ जाएंगे, मुझे ये लफड़ा नहीं चाहिए। CID ऑफिसर कायको, अंधे होने की अच्छी एक्टिंग करता है ना, तुझे अवार्ड देना था। सर देखिए वो भाग रहे हैं सर, वहां से। बिना बताए नहीं मर सकता, कौन था वो, कौन था, कौन था? सत्या छोड़ दो मुझे। शिवा सत्या को क्या हुआ, जब तुमने उसकी हालत के बारे में बताया तो मैं बहुत डर गई। अपने अंकल को तो नहीं बताया ना, उन्हें बताती तो मर ही जाते। अब हौसला रखिए, जो भी करना पड़े सत्या को इस प्रॉब्लम से मैं निकालूंगा। आइए सत्या, बता कौन है तू, क्या नाम है तेरा? बाबा ये सत्या की माँ है। मुझे क्यों मारा, कौन है वो, किसने मारा? आपकी बेटी के निकाह से पहले क्या उसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ था? नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं हुआ। रहीम नाम के किसी आदमी को वो जानती थी? वो किसी रहीम को नहीं जानती थी, वो हमसे कुछ नहीं छुपाती थी, अगर जानती तो मुझे ही अपने पापा को जरूर बताती। किसने मारा? कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। आसमान के सितारों से रूहानी ताकत के एक असर से तुझे जलाकर राख कर देंगे। अपनी पहचान बता, कौन है तू और इस अनजान शरीर पे कब्जा करके क्यों बैठ गया है, उसका क्या दोष है, ये कैसा इंसाफ है? जानता हूँ, जानता हूँ उसे।
तू सत्या को जानता है? मैं जानता हूँ। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रहा है। जब इससे पहले भी सत्या की ऐसी ही हालत हुई थी, मैं इसे साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर गया था। उसने हमें स्कूल से लेकर कॉलेज के सारे फ्रेंड्स और टीचर्स के नाम बताए। उनमें रहीम नाम का कोई नहीं था। सत्या का रहीम से किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है। सत्या तुझे नहीं जानती ना? वो जानती है। बता कब मिली थी सत्या तुझे? कब से तू जानता है उसे? सच सच बता, नहीं तो चला दूंगा। वो नहीं जानती, पर मैं उसे जानता हूँ। ऊपर वाला भी जानता है। तुझे हुक्म देता हूँ, छोड़ दे ये शरीर। अपन का मकसद पूरा होने से पहले कोई अपन को मजबूर नहीं कर सकता। इसको बोलो खूनी को ढूंढने को, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तुझे कैसे निकालना मुझे अच्छी तरह मालूम। सुनो, पढ़ना शुरू करो। आसमान के सितारों से, धरती के किनारों से। नीचे आ जा। ए शैतान मर्दूद, मैं कहता हूँ नीचे आ जा। उतर नीचे, आसमान के सितारों से, धरती के किनारों से, बहती हवा से, रूहानी ताकत के एक असर से हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। नीचे आ जा शैतान। आसमान के सितारों से, धरती के किनारों से, रूहानी ताकत के एक असर से चलकर राग हो जा। या अल्लाह, रहम कर, रहम अल्लाह, रहम। शिवा, थोड़े समय के लिए उस रूह को हमने सत्या से अलग कर दिया है। रहीम फिर से तुम्हारी बीवी को वश न कर सके, इसका जिम्मा अब तुम पर है। क्या रहीम झूठ बोल रहा था या वाकई वो सत्या को जानता है? अब यही बात इस केस को सुलझाएगी। पिछले 6 महीनों में ये आदमी कभी यहाँ आया था? ये तो पहले वाला वॉचमैन ही बता सकता है। मैं तो पिछले हफ्ते ही आया हूँ सर। सॉरी सर, ये तो पिछले महीने ही रिटायर हुआ। रिकॉर्ड्स में उसका एड्रेस होगा? इसकी बेटी गंगानगर में रहती है, शायद ये भी उसके साथ ही रहता है, पर एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता। थैंक यू। इसे देखकर कुछ याद आया? जो पता है सब उगल दे। बताता हूँ। बताती हूँ सर। मम्मी जी, सत्या की तबीयत कैसी है? अभी थोड़ा रिलैक्स्ड है, खाना भी खाया, सबसे बात कर रही है। अभी तक उसके पापा को कुछ नहीं बताया, वो सुनेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे ना। ग्रेट, अभी क्या कर रही है वो? फादर डॉटर टेबल टेनिस खेल रहे। इस केस को किसी ठोस अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू करनी होगी जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। उस चोर को ढूंढना था जो चोरी का सामान रहीम के पास छोड़कर भागा था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस चोरी के सामान के पीछे रहीम की मौत का राज छुपा था। मन में कई उलझने थी, कई सवाल, और ऐसे समय मेरी मदद करने वाला एक ही था, और वो था दिलबर। सुराग का एक सिरा मिलने के बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक ऐसे शख्स का नाम आया जो इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक रखता था। सबसे बड़ी बात, इस मिस्टीरियस शख्स के बारे में सिर्फ एक ही इंसान जानता था, सत्या की बेस्ट फ्रेंड अंजलि। छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के बाद मेरे सामने इस केस की एक बड़ी तस्वीर उभर कर आने लगी। इस कहानी में कौन कौन किरदार थे और उनकी क्या भूमिकाएं हो सकती थी, अब समझ आने लगा। शिवा का फोन है। हेलो। हाय सत्या, व्हाट्स हैपनिंग? तुम हमको लेने कब आएगा? बहुत जल्दी मेरा काम पूरा हो जाएगा, केस सॉल्व होते ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आई एम वेटिंग फॉर यू। हां, दिन रात मेरे जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये रहीम कौन है और सत्या के साथ उसका क्या कनेक्शन है। मैंने सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की, उसके सभी बिखरे हुए क्लूज एक साथ जुड़ने के बाद अब एक कंक्लूजन पर पहुंचने वाले थे। रहीम की मौत के साथ सत्या का क्या कनेक्शन था? दुनिया के सामने इसका सच आने वाला था। नहीं, नहीं। लेकिन यही सच है। रहीम के केस का
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सत्या से कोई कनेक्शन है। अल्लाह, अगले 24 घंटों के अंदर मैं इस दुनिया के सामने रहीम के कातिल का पर्दाफाश करूंगा। लेकिन ये होगा कैसे? सबसे पहले सत्या को इंटरोगेट करूंगा। मैं उस आत्मा को मजबूर करूंगा कि वो सत्या की बॉडी को वश में कर ले, और फिर मैं सत्या से सच निकलवाऊंगा। ऐसा करके तुम कयामत को बुला रहे हो। बिना रूह की ताकत जाने तुम उसके साथ खिलवाड़ मत करो। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो अपने साथ अपनी बीवी को भी खो दोगे। जिंदगी में पहली बार किसी रूह ने मेरी काबिलियत पर सवाल खड़ा किया है। शिवा शिवा किसी से कभी हार नहीं मानता। या अल्लाह, इसकी हिफाजत कर। हेलो, हाँ बोलो। सच में दामाद जी? दुनिया का सबसे बड़ा खुशी दिया है तुम। मैं नाना बनेगा, सत्या ऊपर है। अभी आयो? इतना लेट आया? ले बीवी का मुंह मीठा करा। हाय। अरे थोड़ा आराम से बात को समझो। इतना लेट? प्लीज 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 खा लो खा लो। जैसे मेरे को खुशखबरी मिली, मैंने सोचा आम का अचार बना लेती हूँ बहू के लिए। मैंने कच्ची केरी मंगवाई, उसको काटा, उसमें नमक हल्दी लगाई, तब तक मैंने देखा कि ये आ गया। इतनी देर का था? मॉम, मुझे केस के लिए वापस जाना होगा। अब अपना काम वाम भूल जा, बहू की सेवा कर, उसके साथ रह, उसको घुमाने ले जा। अरे मॉम, मैं एक CID ऑफिस वो मैं एक CID ऑफिसर हूँ, ये बात आपसे छुपाई उसके लिए सॉरी। इसमें सारी बोलने वाला कौन सा बात है? मेरा दामाद CID है, सुन के प्राउड फील हुआ। थैंक यू वेरी मच। पापा, और कितनी लंबी पूजा करेंगे? आपको याद है ना, आज सुबह 9 बजे हमें पुलिस राइफल्स क्लब पहुंचना है। पुलिस एक ही सवाल घुमा फिरा के पूछती है और परेशान करती है। मुझ सीधे साधे भक्त को मुजरिम बनाना चाहते हैं। आप वहाँ अकेले नहीं होंगे पापा, और लोगों को भी बुलाया है। रहीम के पेरेंट्स भी होंगे वहाँ पर। अगर आप नहीं गए तो पुलिस यहाँ आ जाएगी। आज से तकरीबन 6 महीने पहले, प्रिसाइसली 12 जुलाई 2016 को, रहीम नाम का आदमी चलती ट्रेन से गिरकर पोल से टकराने की वजह से मर गया। यह आत्महत्या थी या किसी ने उसका मर्डर किया, दैट इज द क्रक्स ऑफ द केस। इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूजन तक लाने के लिए इस केस से रिलेटेड सभी कंसर्न लोगों को मैंने यहां बुलाया है। इट मे सीम अब्सर्ड, लेकिन केस का इकलौता विटनेस एक कबूतर है। आप सोचेंगे कि कोई पंछी किसी क्राइम का गवाह कैसे हो सकता है? Yes, दिलबर ही वो कबूतर है जिसने मुझे इस केस का क्लू दिया था। ये कबूतर विटनेस है? इस पंख पर जो खून लगा है, उसे मैंने लैब में चेक करवाया। सर, ये पंख पर लगा ह्यूमन ब्लड है, जो रहीम के ब्लड ग्रुप से बिल्कुल मैच करता है, AB नेगेटिव। और फिर कुछ दिनों बाद दिलबर ने मुझे एक और सबूत दिया। किसी को अपनी चोंच से मारने के बाद उसने खून से सनी चोंच को मेरे शर्ट पर लगा दिया। इसे भी मैंने लैब में चेक करवाया। सर, ये शर्ट पर लगा ह्यूमन ब्लड है और इसका ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव। अब जब रहीम का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, तो O पॉजिटिव किसका है? जरूर ये रहीम का कातिल होगा। करेक्ट, सो रहीम हैज बीन किल्ड बाय समवन। तो जिसने उसे मारा था, उसका नाम था डेविड। एक अंधे आदमी का भेस बनाकर वो उसी ट्रेन में चढ़ा जिसमें रहीम था। चलती ट्रेन से उसने रहीम को धक्का दे दिया, जिससे वो पोल से टकरा गया। तो डेविड को क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि डेविड अब इस दुनिया में नहीं रहा। इससे पहले कि हम उसे अरेस्ट करते, किसी और ने उसे खत्म कर दिया, और ये राज राज ही रह गया। तो डेविड का खूनी कौन है? आप में से कोई एक उसे अच्छी तरह पहचानता है। कौन है वो? वो तुम हो सत्या। शिवा? Yes। डेविड का खून किसने किया, ये बात सिर्फ तुम जानती हो। ए शिवा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? डेविड को किसने मारा, इसको कैसे? Stop questioning me। कान खोल के सुनो, जिससे सवाल करूंगा वही जवाब देगा। उसके बाद जो टांग गड़ाएगा उसे मैं अरेस्ट करवा दूंगा। जस्ट लिसन टू मी। डेविड के लैंडलॉर्ड यहां आइए। क्या डेविड को ढूंढते हुए यही औरत आई थी? हाँ सर, एक बार नहीं दो बार आई थी। जैसे ही डेविड आए मेरे को फोन करना, नंबर है 9000032426।
जब भी आती थी जल्दी में रहती थी और नाक में गुस्सा रहता था। उसका आता ही मेरे को फोन करना, एक सेकंड का भी देरी नहीं होना चाहिए। और जब डेविड अपने कमरे में लौटा, क्या आपने इस मैडम को फोन किया? हाँ सर, किया था। यू कैन गो। सबको बताओ सत्या कि तुम डेविड से किस लिए मिलना चाहती थी। या अल्लाह। जरा उसे लेकर आओ। सर, सत्या क्या तुम इस लड़के को पहचानती हो? ये बस पहला वाला बस से बेहतर है। आपके पैसे गिर गए हैं। चोर, चोर! मेरा आईपैड डॉक्टर। क्या हुआ? मेरा आईपैड लेके भाग गया। पकड़ो उसे। अरे ठीक है अब मत रोकिए, सीधा कॉलेज चलें। क्या बोल रही है? आईपैड चुराया उसने। अरे हाँ, इसने तो मेरा आईपैड चुराया था। क्या तुम्हें तुम्हारा वो आईपैड वापस मिला था? शायद किसी ने आके मेरे को लौटाया था मेरा आईपैड। किसने? कोई औरत थी या फिर आदमी? कोई आदमी था, पर उसका शक्ल ठीक से याद नहीं। हेमंत, जरा फोटो डिस्प्ले करना। क्या यही वो आदमी था? नहीं। इसका नाम रहीम है, जिसका मर्डर हुआ वही रहीम। ये वही आदमी है ना जिसने तुम्हारा आईपैड तुम्हें लौटाया था? गौर से देखो। रहम फरमा या अल्लाह। सत्या, सत्या! क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? ऑफ कोर्स, ये अंजलि है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अंजलि, जो तुमने मुझे बताया था, यहाँ मौजूद सभी को बताओ। जी, उस दिन मैं और सत्या कॉलेज से घर वापस लौट रहे थे, उसी समय ये आदमी हमसे बात करने के लिए आया। मैडम, एक सेकंड। ये लीजिए आपकी अमानत। ये क्या? आपका आईपैड है, रख लो ना। ये तो बस में चोरी हो गया था। अरे अपन भी उसी बस में था जब वो इसे चोरी कर रहा था, तभी मैंने उसको देख लिया। वो आगे से भागा, अपन ने सोचा पीछे के दरवाजे से जाके उसको झपट के पकड़ लूंगा। अपन आपकी अमानत लेकर वापस गया, देखा तो बस ही वहां से चली गई थी, तो अपन ने दूसरा आइडिया लगाया। फट से डेपो गया, डेपो में कंडक्टर को ढूंढा, कंडक्टर से इस कॉलेज का नाम पूछ के आया। रोज अपन इसको आपको लौटाने की कोशिश करता है, पर कुछ ना कुछ लोचा लपाचा होते ही रहता है। अरे अरे रुक रुक, कहाँ जा रहा है? ये गर्ल्स कॉलेज है, पता है तुझे? अरे क्या चाचा? हाँ। ये मैडम का वो आईपैड वापस करने का है। हाँ, मेरे को मालूम है। लेकिन चाचा बहुत जिद्दी है, अपने को अंदर आने ही नहीं दिया। पर खुदा की मेहरबानी आज आप मिल गई। सुबह से अपन वेट कर रहे हैं, जब से आईपैड मिला अपने को तो नींद ही नहीं आती है। मैडम इसको तुम ही संभालो। थैंक यू सो मच। हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ, कुछ लोचा है? कम से कम अपना नाम तो बताते जा। ये नाम बता, पहचान के लफड़े में काय को फंसने का? अपन का काम था अमानत लौटाना, सो अपन ने लौटा दिया। अपन इतने में खुश है, आइंदा अपने चीजों का ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। अब तो आप समझ गए डॉक्टर, उसे रहीम का नाम क्यों याद नहीं था, क्योंकि रहीम ने उसे अपना नाम बताया ही नहीं। तो अब बताओ सत्या, जो आईपैड रहीम ने लौटाया था वो इस वक्त कहाँ है? मुझको सच में याद नहीं है। जिस आईपैड से इतना हंगामा हुआ वो कहाँ है याद नहीं? इसे देखकर कुछ याद आया? ये मेरे कॉलेज का वही आवारा लोफर है जिसको जितना मैंने बोला मेरा पीछा नहीं छोड़ा इसने। इसे आखिरी बार कब देखा था? जिस आदमी का शक्ल भी याद नहीं रखना चाहती उसको आखिरी बार कब देखा, ये बात क्यों याद रखेगी? तुम्हें तो याद होगा तुम इससे कब मिले थे। सर, जब ये अपने आईपैड से रहीम की फोटो ले रही थी। क्या कहा? ये उस रहीम की फोटोज आईपैड से क्लिक कर रही थी जिसका ये नाम तक नहीं जानती थी? इसने फोटो खींची थी, शायद भूल गई होगी। इसे नहीं पर मुझे याद है। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। फोटो काय को? बस ऐसे ही, अब तुम जा सकते हो। तुमने इसका फोटो काय को लेने को कहा? इस फोटो के जरिए हमें फेसबुक से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और रहीम की ये वही फोटो है जिसे उस दिन सत्या ने क्लिक किया था। इतना कॉन्फिडेंस है तुम ये बात कैसे कह सकता है? रहीम के शर्ट पर टंगे सनग्लासेस गौर से देखिए। हेमंत, सनग्लासेस पर जूम करना। उसके ग्लासेस पर सत्या का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, और इस फोटो से मुझे पता चला कि सत्या इस केस में किसी तरह से इन्वॉल्व्ड है। जरा आईपैड लाना। सत्या, जो आईपैड चोरी हुआ था ये वही है? हाँ। डेविड के घर की तलाशी लेते वक्त मुझे ये आईपैड वहां मिला। मुझे सिंपल वर्ड्स में समझाओ, तुम डेविड को किस लिए ढूंढना चाहती थी?
डेविड से तुम्हारा क्या कनेक्शन? डेविड की मौत कैसे हुई? किसने मारा था उसे? आई एम आस्किंग यू। या अल्लाह, चल बोल रहे। तो कुत्ता कैसे मरा? ये अपन को क्यों पूछ रहा है? तेरा कातिल अपनी मर्जी से ट्रेन से कूदा, तू भी तो वही पर था ट्रेन में। अपन को अपने कातिल को जानने का हक नहीं है, वो खुद डर के मारे ट्रेन से कूदा। आप सब सत्य की हालत देख रहे हैं? जिस रहीम का ये केस है उसकी आत्मा ने इसे वश में किया है। सत्य से सवाल इसलिए पूछे ताकि किसी भी तरह रहीम की आत्मा को मजबूर कर सकूं कि वो सत्य के शरीर को अपने वश में कर ले। आसमान के सितारों कोई तो है यारों से जिसने रहीम को मारा था। जब तक उसका पता ना चल जाए रहीम की आत्मा इसे नहीं छोड़ेगी। वैसे कौन अपन का खूनी है अपने को मालूम करने का? अगर मैंने इसे कातिल का नाम बताया तो ये यकीन नहीं करेगा। ये सोचेगा कि अपनी बीवी की जान बचाने के लिए मैंने किसी की कुर्बानी दे दी। जब तक कातिल खुद अपना गुनाह कबूल न करे ये नहीं जाएगा। मसकले 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 या। आयो। सत्या। रहीम, मेरी सत्या को छोड़ दे। वादा करता हूँ कातिल खुद अपना नाम बताएगा। ताकत के एक असर से जलकर खाक हो जा। कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर विश्वनाथन? रहीम और सत्या के बीच क्या संबंध है? What do you mean? आपने अपने आदमियों से क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। बोला? जब आपको पता चला आपकी बेटी का कोई पीछा कर रहा है तो आपने अपने आदमियों से उसे मारने को नहीं कहा? सच बता, नहीं तो तेरी बेटी को मार डालूंगा। मसकली मसकली मसकली। बेटी रुक जाओ, रुक जा। बोल 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 बोल। अपनी मौत का बदला मेरी बेटी से मत लो। मैं अपनी बेटी को गुमराह करने वाले को सबक सिखाना चाहता था। अपने हाथियों को खाली हाथ पांव तोड़ने के लिए बोला था, उसे मारने के लिए नहीं। क्या हुआ उस दिन? क्या हुआ सबको बताइए। मुझे जब मालूम हुआ कि उसे कोई परेशान कर रहा है तो सीधा उसके कॉलेज गया। जब मैं उस लड़के के बारे में पता कर रहा था वहाँ वॉचमैन ने मुझे रहीम का नाम बताया। वो नाम सुन के मैं एकदम घबरा गया। उसी रात में लैंडलाइन पर एक कॉल आया। उस कॉल पे एक लड़का बात करता था तो मुझे लगा कि वो रहीम का फोन होगा क्योंकि वॉचमैन ने मुझे बताया था कि रहीम मेरी बेटी के पीछे था। वॉचमैन ने जिसका नाम लिया वो सिर्फ आपकी बेटी का आईपैड लौटाना चाहता था और फोन पर आपने जिसकी आवाज सुनी वो रहीम नहीं बल्कि राहुल था। जब सत्या को रहीम की फोटो लेते देखा तो ये सब मुझसे देखा नहीं गया और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं फोन करके सत्या से इसके बारे में पूछना चाहता था पर मेरी आवाज सुनकर उसको गुस्सा आ गया। उसके बाद मेरे को फोन किया ना तो सीधा पुलिस के पास जाएगी बोल रही है मैं। और उसके बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उसके लैंडलाइन पर फोन कर दिया पर फोन उसके पापा ने उठाया। सत्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए कभी हाँ नहीं बोलेंगे, इसलिए फ्राइडे शाम को कॉलेज के बाहर मुझसे आकर मिलो। हम यहाँ से कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे और एक बार शादी हो गई ना तो वो बुड्ढा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यस। रहीम की आवाज सुनकर उसके पापा ने फोन काट दिया। और तो और उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा इसलिए मैं कंफर्म हो गया था कि सत्या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इन्हें गुमराह क्यों किया? बताता हूँ, मुझे और मेरे प्यार को रिजेक्ट करने वाली सत्या और उसके आशिक को मैं बहुत बुरी सजा देना चाहता था। यही सच है, मैं रहीम का खून नहीं किया और ना ही किसी को उसका सुपारी दिया। पहले ये बताइए आपने अपने आदमियों से क्या कहा था, फिर रहीम के साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। ओ, फोन कॉल के चक्कर में आके मैं अपने आदमी को बुलवाया। साहब वो बिरयानी बनाता है। एक बावर्ची का इतना डेरिंग कि मेरा डॉटर को भगाएगा? छी। सर मैंने देखा कि सत्या उस लड़के का फोटो ले रही थी। उस लड़के का फोटो दिखाने के लिए सत्या का आईपैड ले आया, इसमें उस लड़के का फोटो है, आप भी देख लीजिए। मेरे को उसका फेस नहीं देखना। मेरा डॉटर को भगाने वाले को कभी अपना पैरों पर नहीं चलना मांगता, उसको हमेशा के लिए अपाहिज बना दो। ये लो 2 लाख एडवांस।
उसका गेम कैसा बजाएगा ये अपुन नहीं जानता। बिना सच जाने अपुन ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। एक मासूम लड़के को सजा दे डाला मैं, अपुन उसे जान से नहीं मरवाना चाहता था। नहीं, अपुन सॉरी बोलता है। मेरा डॉटर को छोड़ दो, मेरे को सजा देकर चलेगा। मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है रहीम। मिस्टर विश्वनाथ, तुम्हारे आदमियों ने डेविड को पैसा दिया रहीम के हाथ पैर तोड़ने के लिए, लेकिन इस बात का फायदा किसी और ने उठाया। रहीम का खून डेविड ने नहीं किया था, रहीम का खून किसी और ने किया है। शिकार घर से निकला है, जल्दी पहुँचो। क्यों रे, अपने ससुर को बचाना चाहता है ना? आप देख क्या करता हो। इसे इतनी ऊंचाई से गिराऊंगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे आईपैड लौटाने के बाद क्या हुआ था इसका मैंने पता लगाया है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने ऐसा किया। अगर जानना चाहते हो कि तुम्हें किसने मारा तो नीचे आओ। मैंने संगीता के कहने पर तुम्हारे इस केस को रीओपन करवाया, अपने बीवी की जान दांव पर लगाई। और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि वो प्रेग्नेंट है। तुम्हें बच्चे की कोई परवाह नहीं और खुद को नेक आत्मा कहलाते हो। तुम सिर्फ अपने कातिल का नाम जानना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें एक शरीर चाहिए। तो मैं तुम्हें अपना शरीर सौंपता हूँ। मेरी पत्नी को छोड़कर बाहर आओ, मेरे शरीर में आओ। बेटा, मेरा बेटा। भाईजान, अपन ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। फिर भी किसी की वजह से बिना कोई सुख देखे भरी जवानी में जान गवा दी। भाईजान, जानते अपन की ख्वाहिश क्या थी? अपन अपनी कमाई से गरीबों का पेट भरना चाहता था। उसके लिए अपन उम्र भर मेहनत करने को भी तैयार था। इंसान गलती कर दे तो उसे माफी मिल जाती है, पर अपन तो एक रूह है। अपने कातिल को ढूंढने का हक नहीं अपन को। अपने को मारने वाले का नाम एक बार बता दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग अपने को बुजदिल समझेंगे, खुदकुशी करने वाला समझेंगे। भाई जान, अपन तुम्हारा पैर पड़ता है। एक बार उसका नाम बता दो कौन है वो? मेरे शरीर को वश में करो, मैं तुम्हें तुम्हारे कातिल के पास लेकर जाऊंगा। आ रहा हूं। जल्दी करो, वो आ रहा है। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो सकली मसकली 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 मसकल है। पर कैसे हुआ? ये क्या हुआ? You make a jack?
मसकली मसकली मसकली। मसकली 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 मसकली। Again! अपुन ने रहीम को नहीं मारे ला। मक्का कोई चाहे बड़ा गुनाह करे या छोटा, खुदा उसका इंसाफ जरूर करता है। सबका दिन आता है। तू जानता है तेरी गलती क्या थी? तेरा आरटीजीएस। हाँ, डेविड को पैसे मिले थे मुझे अपाइज बनाने के लिए, लेकिन तूने उसे सुपारी दी मुझे मारने के लिए, है ना? अच्छा, नहीं समझा? पुलिस वाले का भेजा, बिरयानी बनाने वाले की ताकत, एक फोन, दो सिम कार्ड, दोनों एक्टिवेटेड हैं। कैसा लगा? अपुन को मत मार, अपुन तेरे को सब कुछ बता देगा। बोलो बोलो। अपुन रेस कैसे जीतेगा रात दिन यही सोचने लगा। डेविड अपुन से लिया हुआ उधार चुकाने आया था। ये लो बॉस, अपना रोकड़ा पकड़ो। और ब्याज भरने का हिम्मत नहीं अपुन के अंदर। अपना अकाउंट क्लोज। हाँ, अबे तेरे जैसे आदमी को इतना पैसा कौन दिया रे? डेविड ने बताया कि बिल्डर विश्वनाथन ने किसी के हाथ पैर तोड़ने के लिए पैसे दिए थे, और उसके बाद उसने अपुन को आईपैड में तुम्हारी फोटो दिखाई। किस्मत ने खुद अपुन का दरवाजा खटखटाया था। रहीम को मार डाल, उसके लिए 3 लाख दूंगा। ये ले, 2 लाख का एडवांस पकड़। कुछ गड़बड़ हुआ तो बिल्डर पर इल्जाम डाल देना। सच्चाई पता चल गई अब बाहर आ। रहीम, आज तुम्हारा केस ये शिवा, ऑफिसर शिवा क्लोज करता है। अब तुम अंकल का चैप्टर क्लोज करो। मसकली मसकली मसकली। हट। पार्वती, तुम ही बताओ ना। ऑलरेडी पोता हो चुका है, इस बार मेरे को पोती चाहिए गोद में। करेक्ट। नहीं, इस बार लड़का ही होगा। इतना यकीन कैसे? रहीम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन बेचारा जी नहीं सका। देखना, बेटे के रूप में रहीम ही जन्म लेगा और उसकी देखभाल तने कर भी छे। पाछो रहीम आवशे आकर मेरी गर्दन तोड़ेगा। मम्मी बचाओ।